हेलो एवरीवन। हेलो, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर एंड आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड, वो भी 2 घंटे के अंदर अंदर, और आपको एक ही शॉट में सिलेक्शन का आपको मौका दिया जा रहा है कि वन शॉट सिलेक्शन। सो यानी कि हमारे पास दिसंबर का ही टाइम है जब हमें पूरा सिलेक्शन निकाल के रहना है। तो दिस इज मैराथन फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ। आर यू रेडी फॉर 2 आवर्स? गुड इवनिंग। सो आप नव क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग एक जगह मिल जाए, लाइक पेपर वन की सारी क्लासेस विद कंसेप्ट, प्रीवियस क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, सो एनटी यूजीसी नेट पेपर वन कंप्लीट कोर्स, टारगेट ऑल इंडिया रैंक वन। इसके अंदर मैं कंसेप्ट्स भी कराऊंगी, इन ऐप पीडीएफ रहेंगी जो ऐप में आप खोल सकते हैं, एंड टॉप 100 ऑल इंडिया रैंकर्स को, जेआरएफ होल्डर्स को, सभी जेआरएफ होल्डर्स को मेरी तरफ से सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, और कंसेप्ट्स के साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज भी मैं करवाऊंगी, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी। इतना प्यारा कोर्स है आपका। एंड पेपर वन एंड कॉमर्स, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप कॉम्बो ले सकते हैं, ठीक है, और अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो पेपर वन एंड मैनेजमेंट ले सकते हैं। सिंगल पेपर वन जो है ये 3500 का मिल जाएगा, कॉम्बो आपको 6500 का, और ओनली कॉमर्स या मैनेजमेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज आपके पास है जिसके अंदर टोटल कुल मिला के 1200 MCQs, 1200 टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पेपर वन की ही 900 MCQ, 900 टेस्ट सीरीज हैं जिसमें 50 क्वेश्चन के आसपास आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी कैलकुलेशन आपको आती होगी। एंड ऑल्सो अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई है तो आपके भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। और इसके अलावा यूजीसी नेट के प्रीवियस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और ये वाले सारे सेट एग्जाम्स के क्वेश्चन, तो मतलब सोचो भरमार ही भरमार, और ये आपको सिर्फ 375 रुपीज़ में मिल जाता है। सो हर हफ्ते फ्राइडे को नव लर्नर्स मिलने वाले हैं, नव लर्नर लाइव डिस्कशन विद नवदीप कौर। यू कैन अनलॉक दिस पर्टिकुलर इन जस्ट 5 रुपीज़, ठीक है। सो मेरी बेस्ट बुक्स आती हैं जो मैंने खुद अपने ही हाथों से बहुत ही प्यार से इजी लैंग्वेज में लिखी है। तो ये हमारी कंसेप्ट बुक है जिसका लिंक मैंने पिन भी किया हुआ है, बाकी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर सारा का सारा कंसेप्ट आपका अवेलेबल है। बुक्स मेरी इंग्लिश मीडियम में है, पेपरबैक की, ठीक है। और ये जो बुक है ऑरेंज वाली, ये आपकी 2023 की है, फैब मार्च जून के सारे क्वेश्चन, लगभग 3000 के आसपास क्वेश्चन है इसके अंदर, और ये आपके 2018 से 22 तक के क्वेश्चन, लगभग 7500 MCQs इसमें है। तो इन दोनों को मिला के आपके 2018 से 23 तक सारे बन जाते हैं। पेपर वन की है तीनों, एंड पेपर टू कॉमर्स की मेरी एक ही बुक में सारे कंसेप्ट भी आ जाएंगे क्रिस्प वे में, आपको नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी, और प्रीवियस क्वेश्चन एंड सैम्पल पेपर यू विल गेट। चलिए अब हम पढ़ाई करते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। 1-0 फालतू लगा दी कहने हैं। अच्छा, इस बार जेआरएफ लेके रहेंगे, एक बार प्यार से लिख दो कमेंट में, लव जेआरएफ, जल्दी से लिख दो प्यार से लव जेआरएफ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड से, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं करवा दूंगी। टीचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये क्या है, टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किसके लिए, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। और वो कॉमन गोल क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है आपका, टीचर चाहता है कि लर्नर सारे के सारे सीखे, तो टीचर की तरफ से ये सोशल गोल है। सोशल शब्द का मतलब पता है आपको, सोशल का मतलब हर एक व्यक्ति सीख सके, और लर्नर की तरफ से ये पर्सनल गोल है। आप खुद बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि आप अगर आपको मौका मिले तो आप खुद नेट जेआरएफ क्लियर करके आगे बढ़ेंगे, या फिर आपका मौका मिले कि आप या आपके दोस्त, आप दोनों में से कोई एक जेआरएफ हासिल कर सकता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना कि मैं खुद करना चाहता हूँ हासिल, फिर अगर एक ही का मौका मिलेगा तो आई जस्ट वॉन्ट माई सेल्फ। तो ऐसे केस में आप क्या हो गए, आप पर्सनली बायस्ड हो गए ना, राइट। तो स्टूडेंट चाहता है मैं जीतूं, और टीचर एज अ टीचर क्या चाहती है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स अच्छे से आगे बढ़े लाइफ में, ठीक है, वो सब।
तो ये हो गया टीचर की तरफ से सोशल. आई होप दिस इज क्लियर. तुम्हारा फ्रेंड जीत जाए संदीप. अच्छा, और तुम सेकंड आ जाओ, वो फर्स्ट आ जाए. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे. ओके, सो अगर मैं टीचिंग की बात करूं तो यहां पर लेवल ऑफ टीचिंग है. ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग में आपके कौन कौन से लेवल आ जाते हैं? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल. ठीक है, सो जो मेमोरी लेवल है इसमें बच्चा रोट लर्निंग करता है, रट्टा मारता है. और रिमेंबर करना, किस चीज को रिमेंबर करना? फैक्ट्स को रिमेंबर करना, तथ्यों को, ये सब कुछ आता है. इज दिस क्लियर? क्रैमिंग करता है. ठीक है, वहीं पे अगर मैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाऊं तो वो उन फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करता है, मीनिंग निकालता है. ठीक है, समझता है, उनके बीच में रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करता है. आप अंडरस्टैंडिंग लेवल में एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंड कर सकते हो, चीजों में डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो. ठीक है, तो ये सब चीजें होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल में. रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्या होता है? जब रियल लाइफ में हम लोग अप्लाई करते हैं चीजें तो रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है. इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएशन एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है. ठीक है, एक प्रॉब्लम हमारी क्रिएट भी हो रही है और वही प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही है. क्रिटिकल थिंकिंग भी आ रही है, एक कॉग्निटिव करके एक थ्योरी भी थी जो हर्बर्ट ने दी थी. किसी को याद है वो वाली पर्टिकुलर थ्योरी? हाँ जी, वेरी गुड, राधिका अवेयर अबाउट इट है. कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी. कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी है जो कि हर्बर्ट ने दी थी. वो क्या कहती है थ्योरी? ये कहती है कि कॉग्निशन यानी कि नॉलेज लेकर एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हम आगे बढ़ते हैं. जैसे कि कॉग्निटिव यानी कि मेमोरी लेवल से होते हुए जब अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं उसके साथ हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं. तो एक्चुअली ये तीनों प्रोसेस के बाद रिफ्लेक्टिव होता है. इस तरीके से कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी कहा जा रहा है. ठीक है, किसने थी? हर्बर्ट ने थी. लेकिन किस में आएगी आपकी? रिफ्लेक्टिव में आएगी. ये तो हो गया लेवल ऑफ टीचिंग. लेकिन अगर मैं कंटिन्यूम ऑफ टीचिंग की बात करूं तो कंटिन्यूम ऑफ टीचिंग में एक चीज और बढ़ जाएगी यहां पर, वो होगी ऑटोनॉमस. मतलब खुद से, अपने आप से करना, ऑटोनॉमस. इज दिस क्लियर? अब हम आ रहे हैं, बस आपके कहे अनुसार आ रहे हैं. तो मॉरिस एल बिगी ने ऑटोनॉमस दिया था, यानी कि नेचुरली अपने आप जो बच्चा सीखता है उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस सेल्फ, बिना किसी के हेल्प से. ये मॉरिस एल बिगी है, मॉरिसन नहीं, याद रहे. और अगर हम बात करें मेमोरी लेवल, यू किसने दिया था? हर्बर्ट ने. अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने, और रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने दिया था. ये चीज समझ में आ गई? अगर इसके आगे अंडरस्टैंड करें तो जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल मेमोरी लेवल है, स्टूडेंट मेमोरी लेवल में लीस्ट थॉटफुल है. लीस्ट थॉटफुल क्यों? सबसे कम दिमाग उसका चल रहा है मेमोरी लेवल में, क्योंकि रट्टा मार मार के आगे बढ़ा है. इज दिस क्लियर? लेकिन यहाँ पर वो लर्नर एक्टिव है और रिफ्लेक्टिव में और भी ज़्यादा एक्टिव है. टीचर का रोल किस में नहीं है? ऑटोनॉमस में. नो टीचर. ठीक है, ऑटोनॉमस में टीचर है ही नहीं.
यहाँ मेमोरी लेवल में बस टीचर सेंट्रिक ही है, जानबूझ के उसको रट्टा बजवा देना, उसके दिमाग में कुछ चीज़ ठूस देना, ड्रिल कर देना, उसका दिमाग चल ही नहीं रहा अपने हिसाब से। लेकिन जब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आएगा तो लर्नर एक्टिव हो जाएगा, चीज़ों को समझेगा, और जब रिफ्लेक्टिव लेवल पे आएगा तो वो उन चीज़ों को अप्लाई भी कर पाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सब अच्छे से चंगा भला समझ में आ रहा है? ओके, सो इधर हमने कर लिया फिर लेवल ऑफ टीचिंग ऑल्सो एंड ऑल्सो कंटिन्यूम। जब ये चारों चीज़ें इस पर आ जाएंगी तो ये कंटिन्यूम बन जाएगी। ठीक है, कंटिन्यूम शब्द का मतलब होता है एक छोटी सी जगह से बड़ी सी बड़ी वाली पॉइंट तक आना। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टीचिंग एप्टीट्यूड इज असेसमेंट्स। असेसमेंट्स में हमारे पास क्या आता है? असेसमेंट्स में आ जाती है आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव, इंटरिम, आइडियली मुझे इंटरिम वैसे लिखना चाहिए था बीच में, आइए मैं तो फिर दोबारा लिख देती हूँ, इंटरिम, समेटिव, और कौन सा होता है वो डायग्नोस्टिक, ठीक है, और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, वो होता है एक लाइन में, मतलब इतने पढ़ लेते हैं। ओके, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका ड्यूरिंग द क्लास होता है। ठीक है, एवेल्युएशन चार प्रकार की होती है। अच्छा जी, ठीक है, इसमें टीचर का रोल बहुत ज़्यादा है। टीचर ड्यूरिंग द क्लास, अभी इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, अभी राइट नाउ इस वक्त भी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट ही कर रहे हैं। ठीक है, कि जो पूरे डिटेल में आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है। अब ड्यूरिंग द क्लास अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको भी मोटिवेशन आ रहा होगा कि हाँ मैम मेरे साथ है, और लर्नर मुझे यहाँ पर फीडबैक दे पा रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि लर्नर को टॉपिक समझ में नहीं आ रहे तो उसके बेसिस पे मैं अपने मेथड को इम्प्रूव भी कर सकती हूँ। ठीक है, टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव भी कर सकती हूँ। बहुत आ रहा है मोटिवेशन? यस, सो हम लोग मोटिवेट भी होते हैं यहाँ पर, लेकिन क्या यहाँ पर ग्रेड या मार्क्स मिलेंगे? नहीं। क्या क्विज हो सकते हैं? हाँ, फॉर्मेटिव में आपसे क्या मैंने कभी क्वेश्चंस पूछे हैं? हाँ, अभी भी मैं पूछ रही हूँ, क्विजेस वगैरह हो सकते हैं, लेकिन उनके मार्क्स नहीं लगेंगे, उनके ग्रेड नहीं लगेंगे। ठीक है, जैसे ड्यूरिंग द क्लास बीच में मैं एमसीक्यूज पूछ लेती हूँ आपसे, तो पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते हम? तो ये सारी चीज़ें हैं फॉर्मेटिव में, इसमें हमारे पास इम्प्रूवमेंट के चांस हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं। बाकी हम आते हैं आगे इंटरिम में। इंटरिम जो होते हैं वो थोड़े समय अंतराल में होते हैं, तो इसको पीरियोडिक कह सकते हैं, जैसे कि एवरी वीक, एवरी सेमिस्टर, एवरी वीक हो गया, या फिर उसको क्या कहते हैं, प्री बोर्ड हो गया, जैसे कि यूनिट टेस्ट हो गए। ठीक है, तो जो बीच बीच में आते हैं वो, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर टीचर का होना ज़रूरी नहीं है, बिना टीचर के भी हम इंटरिम टेस्ट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो आपके टीचर घूम रहे होंगे ना, वो इन्विजिलेटर होंगे, वो आपके वो नहीं होंगे, पढ़ाने के लिए नहीं आए होंगे। टीचिंग या टीचर का शब्द का मतलब है पढ़ाने वाला, वो वहाँ उस समय आपको पढ़ाने नहीं आए हैं। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पर टीचर का टीचर नहीं होंगे, वो एज अ वो ऑप्शनल क्यों होंगे ही नहीं, क्यों होंगे भाई, जब आप पेपर दे रहे हो तो टीचर आपको क्यों पढ़ाएगा, चीटिंग कराएगा। और मार्क्स ग्रेड होते हैं, ठीक है, क्विजेस भी होते हैं, यस, क्वेश्चन आंसर भी होता है। अब मैं आती हूँ समेटिव की तरफ। जो समेटिव है ये भी पीरियोडिक है भाई, क्यों, एग्जाम्पल के लिए सेमेस्टर सिस्टम, ईयरली सिस्टम, ठीक है, हर सेमेस्टर या हर साल होने वाले, नहीं हिंट देंगे आप जैसे, मेरे जैसे टीचर तो देंगे नहीं, है ना, हिंट ना रे बाबा ना। और यहाँ पर टीचर अगेन नहीं होते, टीचर की बात कर रही हूँ मैं, और मार्क्स डेफिनेटली होते हैं, क्विजेज वगैरह हम ले सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से समझ में आ रही है, ईयरली एग्जाम्स वगैरह ये सब, इससे स्टूडेंट को जज करेंगे, स्टूडेंट को जज करेंगे मतलब कि लर्नर को देखेंगे कितने पानी में है, इसको इवैल्यूएट करेंगे, उसको आगे प्रमोशन देनी है कि नहीं ये पता करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स होने वाले हैं, आएंगे अभी उसके ऊपर। अब मैं बात करती हूँ डायग्नोस्टिक की, जजमेंट करेंगे, यस, डायग्नोस्टिक के अंदर इसको बोलते हैं लुक बैकवर्ड, इसका मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, इंटरिम एंड समेटिव एक जैसे हैं, बस बात ये कि ये बीच बीच में होता है और समेटिव एट एंड होता है, बस इतना ही यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस है, इज दिस क्लियर। लुक बैकवर्ड करके ये देखेंगे कि लर्नर एग्जाम्पल के लिए अभी नाइन्थ क्लास में जा रहा है, लेकिन वो आठवीं क्लास तक जो पढ़ चुका है उसको कुछ आता भी है कि नहीं, ठीक है, सो इसका मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ या वीकनेस, कमजोरी, ये चीज चेक करेंगे, और अगर कहीं कमजोरी है तो उसका उपचार करेंगे, रेमेडी, उपचार करेंगे उसका, ठीक है। हाँ जी, ऐप में ही होगा, क्यों और कहीं और होगा, अगर आप लैपटॉप से लेना चाहते हो तो पहले ही एक चीज डिसाइड कर लो ना, या तो सीधा लैपटॉप से लो, learn.navclasses.in वेबसाइट है टेस्ट सीरीज के लिए, या नव क्लासेस ऐप लैपटॉप में खोलनी है तो learn.navclasses.in। और अगर आपने, अच्छा ठीक है, तो ये वाली पॉइंट समझ आ गया आपको, ऐप में खोलिए तो नव क्लासेस ऐप है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, आप आराम से उसमें से चेक कर सकते हो। कोर्सेज की रिकॉर्डेड से, कोर्सेज की रिकॉर्डेड रहेगी जब तक आपके पास कोर्स रहेंगे, ठीक है, जैसे कि अभी दिसंबर वाला 3 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा। देखिए डायग्नोस्टिक में समझाएंगे, लुक बैकवर्ड, स्ट्रेंथ, वीकनेस, रेमेडी, ये सब चीज़ें डायग्नोस्टिक में की जाती है, डायग्नोस किया जाता है, जांच की जाती है यहाँ पर, डायग्नोस शब्द का मतलब ही यही है, जांच करना, ठीक है, ओके, तो ये पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट इज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म मतलब रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब चीज़ें, लेकिन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है कि एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करना, स्टूडेंट को स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना, जैसे कि आप लोगों की रैंकिंग आती है और आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं, तो ये सब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में होता है, ठीक है, मैं आप इसकी फुल फॉर्म लिख देती हूँ, नॉर्म। इसमें जैसे कि अगर कॉल दिया जाए तो सबसे पहले बच्चा कौन है, उसके बाद कौन है, तो इनको आपस में ही कंपेयर कर देते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, रैंकिंग के साथ। ठीक है, सो आगे चल, अच्छा परसेंटाइल, ठीक है, किसी को पता है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा होने चाहिए टास्क, तो इसके अंदर मोर टास्क होने चाहिए, डिफाइंड ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, टास्क कैसे,
एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाली, जैवलिन थ्रो की एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो जैवलिन थ्रो खेलना है तो सबसे ज़्यादा टास्क क्या है, सबसे ज़्यादा दूर किसका जाएगा, सबसे ज़्यादा फास्ट किसका होगा, ठीक है, तो और बिल्कुल साफ सफाई से किसने जैवलिन थ्रो किया होगा बिना किसी फॉल के, तो फिर वो सारे क्या हो गए टास्क। तो इसमें टास्क ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ क्राइटेरिया रेफरेंस की, तो क्राइटेरिया में स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स उन क्राइटेरियाज के साथ आपके मेजर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके एग्जाम की कट ऑफ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कट ऑफ के साथ मेजर करना, या फिर आंसर की के साथ आपके आंसर मेजर करना, ठीक है, तो इसको क्राइटेरिया रेफरेंस बोलते हैं। हाँ जी, हिंदी में लिखो, हिंदी में बोलने बहुत नहीं है आपको, आती हिंदी लिखनी बताना, अपनी नोटबुक में लिख लो फिर हिंदी में। एग्जाम्पल के लिए मार्क्स, एग्जाम्पल के लिए परसेंटेज, ठीक है, इज दिस क्लियर। ब्लैक ड्रेस में, अच्छी बात है। सो आई होप असेसमेंट आपको अच्छे समझ में आ गया है, इतने सारे असेसमेंट कर लिए, बताओ किसमें दिक्कत आ रही है। डायग्नोस्टिक का एग्जाम्पल बता दो, डायग्नोज करने का एग्जाम्पल हो गया कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है, ठीक है, ग्रेजुएशन करने के बाद अगर हमने आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो आपको पता है पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है, एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो क्या देखता है आपकी ही पिछली ग्रेजुएशन में आपको कितना आता है, वो सब ही देखता है कहीं ना कहीं। तो अभी तक जो भी आप क्लासेस पढ़ के आए हो, उन क्लासेस में जो पढ़ाया गया था, क्या आपको वो चीज़ें आती हैं कि नहीं, आपकी क्या कमज़ोरी है क्या अच्छाई है, उस चीज़ को पहचानते हैं। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, लुक बैकवर्ड, आपका पिछली ज़िंदगी के बारे में, पिछली पढ़ाई के बारे में हम जानना चाहते हैं, ठीक है। अब आ गया समझ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, अच्छा लिसन केयरफुली, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्राइटेरिया रेफरेंस एंड नॉर्म रेफरेंस दोनों होते हैं, ठीक है। हाँ, ये मैं बताना ही भूल गई, मैं वही कहूँ कुछ रह रहा है इसलिए मैं बार बार रुकी हुई हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं डिफाइंड ग्रुप, तो इधर कैसा ग्रुप होगा, इधर हम डीलिमिट कर देंगे। डीलिमिट शब्द का मतलब कि लिमिट लगा दी, कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो 250 वर्ड का ही आंसर होना चाहिए, वन लाइनर की बात करें तो एक लाइन का ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो लिमिट बना देते हैं कि इतने से इतने तक, या किसी ने ये वाले कीवर्ड्स यूज़ किए या फिर ये वाला आंसर दिया तो इसको पास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है, तो लिमिट लगा दिया। दूसरी बात, यहाँ क्राइटेरिया नॉर्म रेफरेंस में ज़्यादा टास्क होते थे, लेकिन क्राइटेरिया रेफरेंस में ज़्यादा क्या होगा, मोर आइटम, ज़्यादा आइटम होंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नॉर्मल सा पेपर करना है तो विद इन द टाइम करना है, मेरी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, आंसर जो चाहिए उसके मुताबिक होना चाहिए, ये ना हो कि उसमें गाने वाने लिख के आए, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। इज दिस क्लियर? हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आप में से कोई कह रहा था एनेक्डोटल्स, तो एनेक्डोटल जो होता है ये शॉर्ट स्टोरी वे में कह सकते हो आप, या फिर रिटन में लर्नर के बारे में जो रिमार्क्स दिए जाते हैं उसको कह सकते हो। जैसे कि आप छोटी अपनी क्लासेस में देखते होंगे कि हमारे मार्कशीट में लिखा रहता है कि वेरी गुड, कीप इट अप, लर्नर नॉट कम ऑन टाइम इन स्कूल, ठीक है, तो वो नरेशन नरेटिव लिखा होता है, उसको बोलते हैं एनेक्डोट्स। लेकिन यही असेसमेंट की बात करो तो इस तरीके की होती है, लेकिन यही हम क्या क्लास की शुरुआत में यूज़ कर सकते हैं? यस, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्लास में आई, उससे पहले मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया कि हम आज एक दिन में पूरा टीचिंग एटीट्यूड के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, कल रिसर्च की होगी। सो उसके अलावा बाकी जो हमारे बच गए वो डिस्कस करते हैं हम, बाकी बच गए डायनामिक।
समेटेड, समेटेड होता है, सिनॉप्टिक होता है. ओके सिनॉप्टिक, ठीक है. इप्साटिव और ठीक है, अभी मुझे इतना याद आ रहा है, आपको जो याद आएगा आप डिस्कस कर सकते हैं. तो यार डायनामिक होता है जब हम बिल्कुल कुछ नया करने जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट न्यू, यानी कि हम थोड़े से चेंज में जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल आपको रशियन नहीं आती, ठीक है, चलो जर्मनी ले लेते हैं, सिंपल से लैंग्वेज एग्जाम्पल के लिए. एक नॉर्मल बंदे को जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन अगर उसको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है तो उसका उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका इंग्लिश का टेस्ट ले लिया, उसके बाद आपको जर्मन सिखा, जर्मन टीच की गई, फिर उसके बाद जर्मन का टेस्ट लिया गया. यहाँ तक कहानी समझ में आई? सो बेसिकली डायनामिक तब होता है जब हम समथिंग न्यू, नया सीख रहे होते हैं तो उसे बोलते हैं, ठीक है. धीरे धीरे आएंगे ना तुम ये इस इप्साटिव है. सिनॉप्टिक, सिनॉप्टिक का मतलब अब तक जो भी हम सीख चुके हैं, छोटे बचपन वाले टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, खुद से और अपने बाकी टाइम की जितनी भी टीचर्स हैं उनसे, इन सारे की सारी नॉलेज को इकट्ठा करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. एग्रीगेट, उन सब का समेशन. सिनॉप्टिक एक स्नैपशॉट है, समेशन यानी कि सारे के सारे नॉलेज को इकट्ठा करके उसको जब हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं उसको सिनॉप्टिक बोलेंगे. एग्जाम्पल के लिए मैं खुद टीचर बन गई तो अपने टीचर हुड के टाइम पे मैं ये डिसाइड सोचूं कि जब हम बच्चे थे तो टीचर ऐसे हैंडल करते थे, तो एटलीस्ट अब इतने शैतान बच्चों को तो इस तरीके से हैंडल करना चाहिए, ठीक है. तो वो क्या सिनॉप्टिक. यह है इप्साटिव, इप्साटिव, ठीक है. अब स्पेलिंग समझ में आ रही है. इप्साटिव शब्द का मतलब होता है आई, आई का मतलब क्या होता है, सेल्फ, ठीक है. तो अपने आप को सिखाना, इसके लिए क्या करेंगे आप, एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप अपने आप की पहले असेसमेंट लेंगे, टेस्ट लेंगे. पता चला कि भाई हम 50 में से एग्जाम्पल के लिए 20 मार्क्स ही ला पाते हैं, फिर हम स्टडी करेंगे, फिर अगेन अपने आप को ही रीटेस्ट कर लेंगे. तो हो सकता है कि आपके 50 में से 40 तक बन जाए. तो अपने आप को खुद से ही मेजर करके आगे बढ़ते हैं, इट इज इप्साटिव. किस किस को समझ में आ गया जी, सेल्फ टेस्ट. ओके सो उसके अलावा कुछ और थोड़े थोड़े टेस्ट हैं, जैसे कि ठीक है, वेरी गुड. प्रोग्नोस्टिक, हाँ प्रोग्नोस्टिक मैं बताने ही वाली थी आपको. प्रोग्नोस्टिक एंड दूसरा है एप्टीट्यूड, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, ये टीचिंग एप्टीट्यूड शब्द का मतलब ही क्या होता है, ठीक है, ये दो और समझ लो. प्रोग्नोस्टिक टेस्ट तब होता है जब हमारी इस दुनिया में, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही हो, ठीक है, या फिर इशू चल रहा हो, फिर हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या ये पॉसिबल है इस इशू से बाहर उभर के निकल के आना, क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग ये प्रॉब्लम से बच सके. तो इसलिए प्रोग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है. तो इसके लिए क्या किया जाता है, प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोसिस. प्रोग्नोसिस शब्द का मतलब कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वो एक जगह लिख दिए जाते हैं, एंड सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी एक जगह लिख दिए जाते हैं, और उन सब से जो भी आपका बेस्ट निकल के आए और उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि यार मेरे पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं या फिर नेगेटिव उससे भी ज़्यादा है. नेगेटिव ज़्यादा है, दिक्कतें ज़्यादा आ रही है, ऐसा लगता है कि यार ये सिचुएशन कभी ठीक ही नहीं हो सकती, कमियाँ ही कमियाँ हैं,
तो फिर ये डिसाइड करेंगे कि क्या इस कमी को उठा के पॉजिटिव में बदला जा सकता है, क्या इसमें से कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ से वहाँ शिफ्ट की जा सकती है थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके। अगर यह पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादातर नेगेटिव्स मेरे पॉजिटिव में बदल सकते हैं एक्स्ट्रा मेहनत करके या तरीकों को बदल के, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं तो फिर हमें वो काम त्याग देना चाहिए, वो माया का त्याग कर दो, फिर कुछ और करो, नहीं कुछ बन रहा तो ठीक है। समझ आया? कृपया करके हिंदी दस दो, मेरे को खुद को नहीं पता इसकी हिंदी, जिसको पता बता दो। एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? एप्टीट्यूड वो टेस्ट होता है जिसके लिए प्रायर का मतलब होता है पहले, वैसे पेपर में इंग्लिश हिंदी दोनों आएंगे, तो आप कंटेंट पे ध्यान दो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ढूंढ पाएंगे। पहले प्रायर हमारी जो नॉलेज होती है उससे रिलेटेड ज्ञान होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, पहले वो नॉलेज क्या होती है, एब्सेंट होती है। हाँ, अभी इस प्रोग्नोस्टिक इसके लिए है कि अभी इस वक्त हम किसी प्रॉब्लम में हैं, इश्यूज में हैं, इज देयर एनी चांस, क्या यहाँ पर ऐसा चांस है कि फ्यूचर में उसमें सुधार हो सके, और अगर हो सके तो हम फिर उस लेवल पे आगे जाते हैं, अदरवाइज हम उस चीज़ को छोड़ लेते हैं, तब जब हमें डिसीजन वगैरह लेना होता है तो, ठीक है। ये सारे टेस्ट डायनेमिक से शुरू हुए थे, नहीं तुम लेट हो, उससे पहले ही बहुत कुछ हुआ था। देखो एप्टीट्यूड में क्या हुआ, जिसमें पहले हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए अभी इस वक्त क्या आप प्रोफेसर बन चुके हो? नहीं। क्या आप PhD ऑलरेडी कर रहे हो? नहीं। कुछ बच्चे या तो PhD कर रहे होंगे या प्रोफेसर होंगे, ठीक है, वो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है, लेकिन एक्चुअली एप्टीट्यूड शब्द का मतलब ये है कि ऐसे चीज़ का ज्ञान करना जो कि जिसकी अभी इस वक्त आपको कमी है, उससे रिलेटेड आपसे टेस्ट लेना। अभी इस वक्त आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों लिया जा रहा है? ताकि आप फ्यूचर में टीचर बन सके, जो आप अभी नहीं हैं, ठीक है, ये देखा जा सके कि आप में टीचर बनने के गुण हैं कि नहीं। ऐसे ही आपसे रिसर्च क्यों लिया जा रहा है? ताकि आप फ्यूचर में अच्छे रिसर्चेस लिख सके, ये सब चीज़ें हैं। आपसे पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का एप्टीट्यूड क्यों लिया जा रहा है? ताकि आप इन्वायरमेंट को बचा सकें, आप इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचें। हायर एजुकेशन को क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन के ही प्रोफेसर बनने वाले हो, छोटे बच्चों के नहीं। नहीं तो अगर BA BEd वगैरह कर रहे होते, BEd MEd, तो फिर आपसे पैडागोजी पढ़ाई जाती है, आपको पैडागोजी पढ़ाई जा रही है, नहीं हायर एजुकेशन पढ़ाई जा रही है, क्योंकि आपने बड़े बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए। समझ आई? तो ये आपके इस वजह से एप्टीट्यूड होते हैं। ओके, चलो अब हम टीचिंग में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, वो है आपका टैक्सोनॉमीज। सो टैक्सोनॉमीज को तीन भागों में बांटा गया है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ठीक है। कॉग्निटिव शब्द का मतलब है ज्ञान लेना, मतलब नॉलेज को प्राप्त करना। अफेक्टिव का मतलब है दूसरे के इमोशंस को भी समझना, अंडरस्टैंड करना। साइकोमोटर का है कि आप अपने दिमाग को चला पाए, माइंड, और साथ में स्किल्स भी कर सके, हाथ की एक्टिविटीज भी कर सके, ठीक है, आ रही है समझ? यस। डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक में ये डिफरेंस है कि प्रोग्नोस्टिक में पहले से ही कोई दिक्कत आ रही होगी, डायग्नोस्टिक में एक्चुअली दिक्कतें ढूंढनी पड़ती हैं, जरूरी नहीं है कि दिक्कत आ रही है हमेशा से, वो एक अच्छी सिचुएशन में भी हो सकता है बच्चा, लुक बैकवर्ड में हो सकता है कि उसको सब कुछ ऑलरेडी आता ही हो। प्रोग्नोस्टिक में यही डिफरेंस है कि एक्चुअली प्रॉब्लम ही होती है मेन, और उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो कॉग्निटिव में सबसे बेस्ट जो टैक्सोनॉमी है वो है कौन, ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम। ब्लूम की टैक्सोनॉमी को बैक्स माना गया है। टैक्स, अच्छा, गुड क्वेश्चन, हाँ आपको पूछना चाहिए ना कि टैक्सोनॉमी होता क्या, पहले ये बता दो टैक्सोनॉमी होता क्या है, ये बताइए। मैंने
आ जाएंगे भाई उसके ऊपर। टैक्सोनॉमी शब्द का मतलब है कि किसी कार्य को करने की टेक्निक, तरीका। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉग्निटिव यानी कि नॉलेज, ज्ञान किस तरीके से लिया जाता है उसके स्टेप्स बताए जा रहे हैं, सो दैट हमें अंडरस्टैंड हो जाए, सीक्वेंस बताया जा रहा है यहाँ पे। तो नॉर्मली टैक्सोनॉमी शब्द का मतलब है कि किसी भी कार्य को किस तरीके से करना चाहिए ताकि बेस्ट हो जाए, ठीक है। अब इसमें कॉग्निटिव वाला नॉलेज रिलेटेड है, ये उसके रिलेटेड है, उसके रिलेटेड है। अब आगे समझ, स्टेजेस फ्रॉम लो टू हाई यू कैन सी। तो अगर हम कॉग्निटिव की बात करें तो ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या कहती है, के केस नव लर्नर्स की ट्रिक है, ठीक है। सबसे पहले हमारे क्या आता है, नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं। दूसरा नंबर पे कॉम्प्रिहेंसिव, देखो सबसे पहले हम टीचर से नॉलेज ले रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन मतलब उसको समझ रहे हैं, ठीक है। समझने के बाद उसको अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं कहीं पे, अप्लाई करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं कि मैंने सही किया कि गलत किया। और वैसे भी एनालाइज शब्द का मतलब है कि किसी भी चीज़ को स्मॉल स्मॉल चंक में सीखना, थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में सीखना। फिर सिनॉप्टिक, फिर सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब इकट्ठा कर लेना। जब मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में सीखा फिर उसको मैंने रिवाइज कर लिया तो सिंथेसिस हो गया। फॉर एग्जाम्पल आज ये मैराथन हो रही है, लेकिन इससे पहले मैं नव क्लासेस के प्लस कोर्सेज में, नव क्लासेस ऐप के अंदर टैक्सोनॉमीज वगैरह ये टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो अब मैंने उनको 4 से 5 क्लासेस में टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया, वो क्या हो गया, एनालिसिस। और आज की क्लास में मैं क्या कर रही हूँ, सिंथेसिस मतलब इकट्ठा रिवाइज करवा रही हूँ पूरा का पूरा एक साथ। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये तो है बेंजामिन ब्लूम के हिसाब से जब उन्होंने 1956 में दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2001 में आई गेस इनकी जो टैक्सोनॉमी है वो बदली, चेंज हुई, और उसका नाम उन्होंने बना दिया रू एक, मतलब के फॉर नॉलेज की जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, रिमेंबर, मतलब अच्छा क्या था इसमें, रिमेंबर ही था क्या था, एक सेकेंड, हाँ जी बोलो, एनालिसिस को इंडक्टिव, सिंथेसिस को डिडक्टिव जैसे कहते हैं, सही कह रहे हो आप, कहते हैं, ओके रिमेंबर ही है ना, हाँ। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन को उन्होंने बोल दिया अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर अप्लाई, एप्लीकेशन को उन्होंने बोल दिया अप्लाई, सेम है। एनालिसिस को बोल दिया एनालाइज, वो भी सेम है, लेकिन सिंथेसिस को स्किप कर दिया, सीधा इवैल्यूएशन पे आ गए, और उसके बाद क्रिएट बोला कि क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, ये चीज़ बोली है, हाँ। उसके बाद 2001 में इसको अपडेट कर दिया गया था। देन नाउ नेक्स्ट इज अफेक्टिव डोमेन ऑफ, अच्छा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डोमेन, यहाँ पे डोमेन शब्द का यूज़ कर रही हूँ मैं, डोमेन मतलब एक पर्टिकुलर संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है, उसको बोलेंगे डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन में टैक्सोनॉमी किस प्रकार की रहती है, अफेक्टिव मतलब दूसरों को समझना, अंडरस्टैंड करना, और उसके हिसाब से उसको समझाना पढ़ाना, ठीक है, अच्छी बात है। तो गाइस यहाँ पर बेस्ट टैक्सोनॉमी किसकी है, क्रैथवॉल की, ठीक है, क्रैथवॉल की बेस्ट टैक्सोनॉमी है। और इसकी हमने ट्रिक क्या करी थी बताएगा कोई, आरआर वॉक। तो जो हम शुरू शुरू में बातें कर रहे हैं ये वाली स्टार्टिंग वाली है ना, इन सबको क्या बोलेंगे, लोअर लेवल, और जो बाद वाली होंगी वो हायर लेवल की होंगी। ऐसे ही ये लोअर लेवल की है, ये हाई लेवल की है, ये भी आपको क्वेश्चन में आता है। सबसे पहले टीचर से बच्चा क्या करता है, रिसीव करता है ना, आर फॉर रिसीव। उसके बाद आई क्रैक JRF विद योर क्लासेज इन फैब, गुड ब्रथ, कीप ग्रोइंग। ऐसे ही आप सब भी नेट JRF निकाल के लेके आइए, ठीक है, यस। रिसीव किया आपने, संदर्भ क्या होता है, जो डोमेन होता है वो, संदर्भ या डोमेन इसका मतलब होता है किसी चीज़ से रिलेटेड। तो यानी कि अफेक्टिव डोमेन का मतलब कि अफेक्शन से रिलेटेड टैक्सोनॉमी है। अब समझ में आ गया, ठीक है। सबसे पहले आपने मुझसे लेसन को रिसीव किया कि नवदीप मैम कह रही है कि आपको नव क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी चाहिए, ये आपने मेरे से बात रिसीव कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप रिस्पॉन्स कर रहे हो कि यार
मैम ने बोला मुझे इस पर्टिकुलर चीज के बारे में समझना चाहिए कि नहीं, रिस्पॉन्स कि क्या मुझे ऐप डाउनलोड करनी चाहिए कि नहीं। फिर उसके बाद आपने वैल्यू करी, यार नवदीप मैम इतने अच्छे टीचर हैं तो हमें मैम की बात तो सुननी चाहिए। आपने वैल्यू किया, वैल्यू करने के बाद जब आपने ऐप डाउनलोड किया आपको समझ में आ गया कि इधर ये चीज़ें यहाँ यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, थीके? तो इस चीज़ को आपने क्या किया, ऑर्गेनाइज, ओरिजिनेशन होगा वैसे तो, ऑर्गेनाइजेशन कह लो या ओरिजिनेशन कह लो। अब क्या हो गया, अब आप मेरे कहे बिना अपने आप ही नव क्लासेस ऐप पे चले जाते हैं, तो ये आपका करैक्टर बन गया, आदत बन चुकी है अब आपकी, ठीक है, तो हमारा करैक्टर ही बन गया, तो उसको बोलेंगे। व्रत कह रहे आपकी फ्री क्लासेस देख के भी रिसर्च प्रपोजल बनाया था और पीएचडी में भी एडमिशन हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने सारे फ्रेंड्स को कलीग्स को बताना फिर नव क्लासेस के बारे में, ठीक है, अब तो मेरा खुद का यू नो ऐप वगैरह भी आ चुका है जी, अच्छी बात है। अब आइए साइकोमोटर, साइकोमोटर का मतलब है अपना माइंड से रिलेटेड अपने नॉलेज भी गेन करनी है, ठीक है, ऐसा हाई लेवल भाई वही ना, ये स्मॉल ये हाई, ऐसे करके हम चलेंगे लो एंड हाई। साइकोमोटर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है इजी क्योंकि इनकी है, वो है देव, और देव ने जो टैक्सोनॉमी बताई उसके अंदर आई एम पान बोल दिया, मैं पान हूँ, कोई ऐसे बोलता है क्या, इन्होंने बोला। लेकिन तो आई का मतलब जैसे मान लो मुझे गाड़ी चलानी सीखनी है, ठीक है, तो बच्चा पेरेंट्स को और देखकर ऐसे ही एक्शन कर रहा है, जू जू तो इमिटेशन, ठीक है, कॉपी करना। देन एम फॉर मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब अब धीरे धीरे एक एक स्टेप उसके पेरेंट्स ने सिखाए कि भाई ऐसे गियर डालते हैं, इस तरीके से घुमाते हैं उसका स्टीयरिंग, तो उसने अपने अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस लाने शुरू किए। मैनिपुलेशन का मतलब चेंजेस ला पाना, सीखना, फिर वो चीज़ उसको आ गई, तो आ गई तो क्या बोलोगे फिर, प्रिसीशन, प्रिसाइज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसको रियल लाइफ में वो कर पाएगा, अब वो गाड़ी चला के दिखा रहा है लेकिन उसके साथ उसके पेरेंट्स अभी बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे इसको, आर्टिकुलेशन, ठीक है, आर्टिकुलेशन का मतलब किसी चीज़ को कर पाना, ठीक है, जैसे कि शब्दों का आर्टिकुलेशन मतलब अपने मुंह से क्लियरली कोई शब्द निकाल पाना, तो ऐसे ही कोई कार्य कर पाना, लेकिन बात तो तब बनेगी जब ये अपने आप गाड़ी चला पाए बिना किसी हेल्प के, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन डिसकर्सिव, मतलब कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कोर्स, डिस्कोर्स शब्द का मतलब क्या है, लेसन देना, नॉन डिस्कोर्सिव का मतलब लेसन लिए बिना अब खुद से गाड़ी चला सकता है, अब लेसन लेने की जरूरत नहीं है, वो अब खुद से गाड़ी चला सकता है, ठीक है, अब आगे समझ, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके। सो ये है हमारी सारी की सारी टैक्सोनॉमीज, किस किस को आ गया, ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ही। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या हो सकता है, टैक्सोनॉमी हो गई, मैक्सिम्स कर लें हम टीचिंग के, मैक्सिम्स का मतलब होता है सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, ठीक है, कि कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, अच्छा अभी बताते हैं। तो फ्रेंड्स सारे के सारे सिद्धांत आपको सिर्फ सेम एक ही बात की तरफ इशारा करते हुए लेकर जाएंगे, हाँ जी, की एंड हेल्पिंग, मेरे को जब मैं चेंज करूँगी ना टॉपिक फिर याद दिलाना। सबसे पहले तो वो कहता है लर्नर को आसान या फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ पढ़ाया करो, मतलब इजी तरीके से पढ़ाओ पहले फिर मुश्किल मुश्किल चीज़ें पढ़ाओ। सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल्स जो हमें फॉलो करना चाहिए, मेथड नहीं होता, मेथड इज़ डिफरेंट, ठीक है। मैक्सिम्स, मैक्सिम्स मतलब ये ऐसे मैक्सिम्स हैं कि अगर आप इनको फॉलो करोगे
तो लर्नर के अंदर जो नॉलेज होगी वो लॉन्ग टर्म होगी, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। इंडक्टिव से लेकर डिडक्टिव तक जाना, ठीक है। और इंडक्टिव क्यों? क्योंकि हमें छोटी 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 चीज़ें खुद चेक करनी है, यानी कि स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बॉल उछाली और देखा यार वो तो नीचे आती है, एप्पल उछाला वो भी नीचे आता है, पेन उछाला वो भी नीचे आता है। तो इन स्पेसिफिक चीज़ों को चेक किया और इन सभी के बीच में एक पैटर्न बन रहा था, ठीक है। उस पैटर्न से मैंने हाइपोथेसिस बनाया, और हाइपोथेसिस से हमने एक थ्योरी बना दी जो कि क्या थी, जर्नल थी, मतलब वो हर चीज पे लग रही थी, ठीक है। तो लर्नर को अगर उसके पास जो चीजें हैं उससे एग्जाम्पल दे दे के समझाया जाएगा तो उसको हमेशा याद रहेगा कि यस ये तो मैंने खुद ट्राई करके देखा था। लेकिन डिडक्टिव में क्या होता है कि आपके पास रूल फॉर्मूले पहले ही होते हैं, आप उससे धीरे 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 स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली क्लियर ही नहीं हो पाता है उसको अगर एकदम से डिडक्टिव में डालोगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, हम यही क्यों लगा रहे हैं, किसी और तरीके से क्यों नहीं जा रहे हैं, तो ये आपका एक तरीके से रिजिडिटी आ जाती है। इज दिस क्लियर? अच्छी बात है। और कौन कौन से होते हैं मैक्सिम्स? स्पेसिफिक लर्नर की साइकोलॉजी को समझो, सोच विचार को समझो, ठीक है, और उससे क्या करो, उसके बाद आप रैशनल पे जाओ। रैशनल मतलब क्लियरली चीजें समझाओ। रैशनल शब्द का मतलब क्या होता है? रैशनल व्यक्ति वो होता है जो कि हर एक चीज के हर एक पहलू को अंडरस्टैंड करता है और उनसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को समझते हुए उनसे बेस्ट डिसीजन ले सकता है। हम मानते हैं रैशनल वो है जो कि लॉजिक्स लगा सकता है, अपने सारी इन्फॉर्मेशन जो भी उसको गिवन है उससे वो सही रिजल्ट पे आ सकता है, डिसीजन ले सकता है, उसको बोलते हैं रैशनल, ठीक है। हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन, हाँ उसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और क्या था? एम्पिरिकल एम्पिरिकल से रैशनल आप कह सकते हो, ठीक है। एम्पिरिकल मतलब खुद एक्सपीरियंस करके सीखना और फिर रैशनल पे जाना, ठीक है, ऐसे। और साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, हाँ यहाँ पर लॉजिकल आना था, लॉजिक्स आप बाद में लगा पाएंगे, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर? कंक्रीट, कंक्रीट से, कंक्रीट शब्द का मतलब क्या होता है? ठोस, ये लो हिंदी लिख दी मैंने ठोस। कंक्रीट से कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इमेजिनेशन, मतलब जस्ट एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे पहुंच गए, ऐसी चीज पे पहुंच गए जो सिर्फ मैं सोच सकती थी, कभी इमेजिन कर सकती थी। कंक्रीट का एग्जाम्पल हो गया कि एक टीचर ने जब बच्चे को सिखाना है कि हाफ क्या होता है तो डायरेक्टली बताएंगे उसको समझ में नहीं आएगा, उसने एक चौक लिया, चौक को दो टुकड़ों में तोड़ा और बताया देखो एक से दो बन गए तो ये हाफ हो गया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली सिखाया, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्या है, कल को अब मैं बोलूँ 3/7 क्या होता है तो आप आसानी से समझ जाए कि टोटल 7 हिस्सों में से 3 हिस्से जब हम लेते हैं तो 3/7 बन जाता है, समझाई ना। तो ऐसे करते हैं। डेफिनाइट टू इनडेफिनाइट, डिफाइंड क्या है, जो हम जानते हैं, जो हम डिफाइन कर सकते हैं उससे इनडिफाइंड तक पहुंच जाना। इन सभी मैक्सिम से थोड़ा सा अलग मैक्सिम है एक, वो कौन सा है? वो है होल टू पार्ट, लेकिन वो अलग नहीं है, वो भी इनके जैसा ही है, बस बात को समझना पड़ेगा। होल टू पार्ट, यहाँ पे होल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण को क्या कहा गया है कि पूरा का पूरा क्लास में आते ही आप क्या करो, एक समरी दे दो, एक ओवरव्यू दे दो कि हम लोग क्लास में क्या करने वाले हैं, ठीक है, ओवरव्यू दे दिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको टुकड़ों में पढ़ाएंगे, टुकड़ों में पढ़ाएंगे तो ये एक तरीके से हो गया एनालिसिस, ठीक है। और उसके बाद एक्चुअली इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बोला गया है, लेकिन बाकी सारी जितनी भी मैक्सिम्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ जा रही हैं, एनालिसिस से सिंथेसिस।
सो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस शब्द का मतलब है पार्ट्स में पढ़ाना, यानी कि किसी भी टॉपिक को टुकड़ों में पढ़ाना। जब आपको एक टॉपिक टुकड़ों में पढ़ा दिया, उसके बाद उसको समराइज करना, तो ये क्या हो गया? सिंथेसिस। आई होप अभी आपको ये कहानी समझ में आ रही है कि कैसे सारे के सारे मैक्सिम्स चल रहे हैं। हाँ जी, अभी यहाँ पर हमने होल यानी कि पूरा संपूर्ण का ओवरव्यू दे दिया, तो इसको और क्या बोलते हैं, क्लास में आते ही लर्नर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, यानी कि हमने आइस ब्रेक कर दी। ठीक है, तो वी ब्रेक द आइस, तो इसको हम कह सकते हैं आइस ब्रेकिंग सेशन हमने दे दिया। आइस क्यों ब्रेक कर दी? सारे जमे पड़े थे अपनी अपनी मस्ती में, मेरी तो कोई ध्यान ही नहीं रहा था, आइस तोड़ी तो भाई अब देखने लगे। ठीक है, ऐसा ओके। सो अब मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं हेल्पिंग बिहेवियर एंड की बिहेवियर बता दो। तो आज ही पढ़ा था हमने नव क्लासेस प्लस ऐप में भी, तो हेल्पिंग एंड की बिहेवियर। तो जो हेल्पिंग बिहेवियर होते हैं वो कब किए जाते हैं? जब टीचर ने क्लास में आना है ना, ड्यूरिंग द क्लास यहाँ पर हम चलेंगे, ठीक है, लेकिन क्लास में आने से पहले हम कहीं ना कहीं यहाँ हैं, और बाद में यहाँ पे हम क्लास नहीं कहेंगे, बिफोर इंस्ट्रक्शन कहेंगे। इंस्ट्रक्शन देने से पहले और इंस्ट्रक्शंस देने के बाद, ठीक है, ब्रूफी हैज गिवन दिस थ्योरी। तो क्या कहते हैं, क्लास देने से पहले या मुझे क्लास में यहाँ आई मैं, तो इससे पहले मैंने क्या किया सोचो? मैंने इस क्लास का थंबनेल बनाया, मैंने ये दिमाग में सोचा कि कौन कौन से टॉपिक्स मुझे पढ़ाने होंगे आज की क्लास में। ठीक है, यस भाई, आवाज़ सही आ रही है बाकी बच्चों को? प्लीज़ बाकी सब बच्चे बताइए क्या आवाज़ सही आ रही है। हेलो, अच्छी बात है। सो बिफोर में क्या आएगा, हम लोग प्लानिंग करेंगे क्लास की, प्लानिंग करा और स्ट्रक्चर बनाया कि आज क्लास में क्या क्या करना होगा। आ रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप। उसके बाद और क्या क्या कर सकते हैं हेल्पिंग बिहेवियर में बताइए आप, व्हाट एल्स वी डू? हेल्पिंग बिहेवियर में प्लानिंग करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब हम पढ़ा देते हैं ना तो लर्नर के आइडियाज आते हैं, यूज लर्नर आइडियाज। इसका क्या मतलब है? क्लास देखो, आपने नोटिस किया कि मैं जो टॉपिक जब पढ़ा रही थी, आपने मुझसे जब अगला टॉपिक पूछा तो एकदम से मैंने बीच में शुरू नहीं कर दिया, आपने नोटिस किया होगा। किसी ने मुझसे हेल्पिंग बिहेवियर और की बिहेवियर बहुत देर से पूछ रहे हैं कोई बच्चे, तो मैंने क्या बीच बीच में बोलना शुरू कर दिया, आपकी बात सुन ली मैंने? नहीं ना। तो ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन हम लोग यानी कि की बिहेवियर में हम लोग लर्नर के आइडिया यूज़ नहीं करेंगे। जब मेरा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, जब मैंने वो टॉपिक पढ़ा दिया, मुझे लगा कि अब मुझे नेक्स्ट देखना है, तो लर्नर्स के आइडियाज़ को उसके बाद यूज़ करूँगी। आपने मुझे जो टॉपिक पूछे, आपने मुझे कहा कि ये भी समझना है, ये सीखना है, वो सीखना है, तो वो सारी चीज़ें हम तब लेकर आएंगे जब मुझे जो पढ़ाना है वो मैं कंप्लीट कर चुकी होंगी। ठीक है, आया समझ? हाँ। सो और क्या होता है यहाँ पे, जब हम पढ़ा चुके होंगे ना, तो उसके बाद हम क्वेश्चनिंग करेंगे लर्नर से कि आपको जो टॉपिक आया, जो मैंने पढ़ाया है, इंस्ट्रक्शन जो दी है, इसके बाद ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और आपसे प्रॉबिंग करेंगे। प्रॉबिंग शब्द का मतलब, आ जाओ रीना, जो मैंने ये हेल्पिंग बिहेवियर बताया है इसको समझाओ बाकी बच्चों को, इसको समझाओ कि आपको इससे क्या समझ में आया है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रॉबिंग, आस्क लर्नर टू इलैबोरेट इट। बच्चे को बोला चलो तुम इसको इलैबोरेट करके बताओ, समझा के बताओ। ठीक है, आया समझ? नाउ वी कम टू की बिहेवियर। की बिहेवियर में क्या होता है, की बिहेवियर में जब मैं ड्यूरिंग द क्लास पढ़ा रही हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी जो टीचिंग है उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप में पढ़ाना है, जिसका मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी है। क्लियर यानी कि लेसन क्लैरिटी, लेसन बिल्कुल क्लियरली देना है। ठीक है, या फिर लेसन क्लैरिटी भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। टीचर टास्क ओरिएंटेशन, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं लाइट्स, हमने इसकी ट्रिक करी थी ना, एल फॉर लेसन क्लैरिटी।
आई फॉर इंस्ट्रक्शंस, वैरायटी। ड्यूरिंग द क्लास जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ तो मैं अलग अलग तरीके अपनाती हूँ इंस्ट्रक्शंस के, ठीक है। कभी मुझे लगता है कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो डांट सकती हूँ, कभी मुझे लगता है कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इनको बहुत ही अच्छे फ्लो में डिस्कशन में हम चलते रहते हैं, ठीक है। तो अपने इंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम वैरायटी लेकर आएंगे और जो भी अपना टॉपिक है कोशिश करेंगे कि उसी के साथ स्ट्रिक्ट रहे। तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका टास्क ओरिएंटेशन, ठीक है, टास्क ओरिएंटेशन। तो लेसन क्लियरली समझाना है, इंस्ट्रक्शन वैरायटी यूज़ करनी है और टास्क की तरफ ध्यान रखना है। ये नहीं है कि ड्यूरिंग द क्लास पढ़ाते पढ़ाते हम भटक गए, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, मेघा शायद मैं फुल फॉर्म ही बता रही हूँ, ये कोई फुल फॉर्म ब्रूफी ने नहीं बनाई थी, ये तो हमने नव क्लासेस ने ट्रिक बनाई है, तो ये नव लर्नर्स की ट्रिक है, ठीक है। मैराथन यूनिट के लिए इनफ है, हाँ, फॉर रिविजन पर्पज मैराथन आर इनफ। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो तुम, नींद आ रही है, मैं सुला दूँ, बहुत देर से तुम बकबक कर रहे हो। चलो परमानेंट सुला दिया मैंने, जाओ। फालतू मैसेज करा था उससे पहले इसलिए बोला है, इधर ध्यान दो। पी बिहेवियर, लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शन वैरायटी एंड टास्क ओरिएंटेशन, कि हमें क्या करना चाहिए, अपने पर्टिकुलर टास्क की तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा, टीचर का अफेक्ट भी यहाँ आता है, टीचर का अफेक्ट कहाँ आएगा, मैं भूल गई, तुम बताना जरा, या एक मिनट में चेक करके बता दो, या तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। हेल्पिंग में आता ना, फिर भी गोल थ्रो कर लेते हैं, साउंड थोड़ा स्लो है, इफेक्ट होता है हेल्पिंग में, ठीक है। हाँ टीचर इफेक्ट वहाँ आ जाएगा, हमने आज ही किया ना प्लस में भी, ना क्लासेस में। ब्रूफी सर्च कर लेते हैं, ठीक है, मिल गया मुझे। हाँ टीचर इफेक्ट हेल्पिंग में है, ओके, इसके आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे क्या गया, लेसन वैरायटी, ये सब हो गया। अब लर्नर का सक्सेस रेट, एस से क्या था, लर्नर का सक्सेस रेट, और यहाँ पे अब क्या बचा है, पार्टिसिपेशन लर्नर की क्लास में करवाने हैं, लर्नर्स पार्टिसिपेशन, तो पार्टिसिपेशन भी हम करवा सकते हैं। तो ये है हमारा हेल्पिंग एंड की बिहेवियर, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब मैं आपके साथ टीचिंग के कुछ मेथड्स, नहीं मेथड्स नहीं, पहले थ्योरीज कराते हैं, ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड कुछ थ्योरीज करवाते हैं। तो थ्योरीज में सबसे अच्छे से आपको याद आ जाती है प्याजे, जो प्याजे की थ्योरी है, ये एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी दी है, ठीक है, कॉग्निटिविज्म, लर्नर्स की कॉग्निटिव नॉलेज से रिलेटेड, कि लर्नर कैसे कंस्ट्रक्ट वगैरह करता है। प्याजे, आपकी वीडियो देख रही हूँ, तैयारी शुरू कर रही हूँ, सोच रही हूँ मैराथन प्रीवियस क्वेश्चन कर लूँ, हाँ, और इसके साथ साथ और भी अच्छे से पढ़ना है आपने एग्ज़ाम के लिए, तो नव क्लासेस में आप ओनली मात्र 3500 का पेपर वन का कोर्स है, इसको ले सकते हैं। और अगर आपका पेपर टू कॉमर्स भी है तो आप कॉम्बो भी ले सकते हैं, और अगर आप ओनली पेपर टू लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। कॉम्बो आपका 6500 का आ जाएगा, अगर आपके पास कॉमर्स है या मैनेजमेंट है तो। कितने बच्चे इंग्लिश भी चाहते हैं, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट के भी स्टूडेंट्स हैं क्या यहाँ पर, मेरे को बताना, हाँ, तो हो सकता है हम आगे इंग्लिश भी स्टार्ट करवा दें। तो कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड इंग्लिश आपका हो जाएगा, और उसके अलावा आपकी, अगर आपको कॉम्बो नहीं लेना, ओनली पेपर वन लेना तो इतने का है, और अगर ओनली पेपर टू लेना है तो वो 4000 का है, ठीक है। तो मात्र इतने में यू विल बी एबल टू गेट एवरीथिंग। और अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो टेस्ट सीरीज इसके अलावा 375 रुपीज़ की हो सकेगी, जिसके अंदर ढेरों प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह उसमें पेपर आएंगे, ठीक है। 5 रुपीज़ वाली बैच में क्या होगा, 5 रुपीज़ वाले बैच में जैसे अभी मैं यहाँ पे यूट्यूब पे क्लास ले रही हूँ, उस प्रकार से कुछ यूनिक टॉपिक्स लेकर आए जाएंगे जो कि अलग होंगे, हट के टॉपिक्स होंगे। फॉर एग्जांपल, इस बार मैंने जनरल अवेयरनेस कराई थी, और जनरल अवेयरनेस में क्या कराया था वो हमारा टॉप सीक्रेट है। दूसरी बात,
जितने भी ऐसे फ्री क्लासेस होती हैं इन सब के यू नो पीडीएफ भी आपको उसके अंदर मिलती है। हाँ जी, क्लास कितने बजे तक चलेगी? जितने बजे तक तुम कहते हो, मैंने तो वैसे थंबनेल में डाल रखा है 2 घंटे, 11 बजे तक चलेगी। अब गप्पे अगर हमारी हो गई हो तो हम लोग आ जाते हैं कॉग्निटिव पे। ठीक है भाई, बाकी सब बताना, आवाज़ सही आ रही है? अपना फ़ोन या फिर ईयरफोन लगाओ। ठीक है, सब बच्चों को सही आ रही है? ठीक है, पीडीएफ को सेव नहीं कर सकते, पीडीएफ इन ऐप रहेंगी, यानी कि आपकी ऐप में ही खुलेंगी, नहीं तो आप भगोड़ों की तरह भाग लोगे, ऐसे थोड़ी भागने देंगे आपको। हाँ, नहीं तो SPCF को समझते हैं। सो एस फॉर सेंसरी मोटर, आपको टिका के रखना है, आपको वहां पर टिका के यूज करने देना उसको। एस फॉर सेंसरी मोटर, ठीक है, सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर में 0 से 7 एज ग्रुप। अबे यार ऐसे कैसे करते हो यार तुम, कुछ पढ़ने में ध्यान नहीं है, सारा गप्पों में ध्यान है। 0 से 2 साल का बच्चा सेंसरी मोटर में होता है, ये क्या करता है, अपनी सेंसेस का यूज करता है। ठीक है जी, अच्छी बात है। दूसरा फिर होता है प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल तक का बच्चा, 2 से 4 ईयर्स तक का जो चाइल्ड है उसको हम कहेंगे प्री ऑपरेशनल। हाँ, आज मैंने माइक चेंज किया है, लेकिन मैंने टेस्टिंग करी थी इससे पहले, आवाज़ सही आ रही थी, और वैसे ज़्यादातर बच्चों को सही सुनाई दे रही है। ठीक है, तो यू शुड ऑल्सो एडजस्ट। सी का क्या है, कंक्रीट ऑपरेशनल, तो कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, 7 से 11 साल का बच्चा, यहाँ पे क्या है फॉर्मल ऑपरेशनल, यहाँ पे 12 साल से प्लस का बच्चा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। बैकग्राउंड में कुछ नॉइस कैच हो रहा है, एक बार मैं सुन लेती हूँ क्या आ रहा है। ऑपरेशनल सही आ रही है मेरे को तो, प्री ऑपरेशनल। अच्छा आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, सेंसरी मोटर में क्या होता है, लर्नर अपने सेंसेस का यूज करता है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल के अंदर वो ऐसा कहा जाता है कि सेंसरी मोटर के अंदर ही बच्चे के लॉजिक लगाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, ये सोच रहा है कि कौन उसका अपना है, कौन उसका दूसरा पर्सन है, और वो रेंगना शुरू करता है, एक बॉल उसकी तरफ आ रही है उसको कैच करना शुरू करता है। तो जब बॉल को कैच करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, तो फिर उसके पास लॉजिक्स लगाने की शक्ति बनेगी। ठीक है, लॉजिक्स लगा रहा है इसका मतलब ये, तो ये सब आपका 0 to 2 पे ही आ गया, मतलब लॉजिक लगाने की शुरुआत हो चुकी है। फिर यहाँ पर कौन होता है बच्चा, जिद्दी, जिद्दोकड़ा, ईद में होता है, अपनी ईद में। ठीक है, मतलब उसको उसकी मर्जी से पूरी दुनिया चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये नहीं ला के दोगे तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, घसीट जाते हैं, बस लेट पोट हो जाते हैं ज़मीन पे जब तक उनको उनकी पसंद की चीज़ ना मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे हो सकते हैं, और क्या करते हैं वो लोग, ईगोसेंट्रिक तो होते ही हैं, साथ में एनिमिज्म के शिकार होते हैं। एक्चुअली वो एनिमिज्म करते हैं, एनिमिज्म यानी कि हर एक चीज़ को ना वो पर्सोनिफिकेशन करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आइसक्रीम है, आइसक्रीम में से बात कर रही है, मेरे पास गुड्डा गुड्डी है, मैं उनकी असली वाली शादी करा रहा हूँ, मेरे पास खाली कप है लेकिन उसमें भी हवा भर के कहेंगे ये लो चाय पी लो, और फिर ये भी पूछेंगे ऊपर से कि चाय टेस्टी है कि नहीं। ठीक है, तो ये हरकतें इनकी प्री ऑपरेशन में आती है, और एक कंजर्वेशन की प्रॉब्लम भी आती है इनको, कंजर्वेशन की प्रॉब्लम आती है प्री ऑपरेशन में, क्योंकि वो सॉल्व होगी अगली वाली में। कंजर्वेशन की प्रॉब्लम ये है कि लर्नर को ना समझ में नहीं आता है चीज़ें कितनी कैसी हैं। फॉर एग्जांपल, एक इतना ग्लास है, इसको मैंने पूरा भर रखा है। ठीक है, सिमिलरली एक मैंने लंबा वाला ग्लास लिया, उसको यही वाला पानी उसमें डाला और फिर उसको भरा, तो उसको ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा है, इसमें कम। ठीक है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन।
वो चीज़ों के बीच में ना एक्चुअली डिफरेंस नहीं समझ पाता है, उसको बस जो बड़ा दिख रहा है उसको लगता है यही सबसे बड़ा है। ठीक है, ऐसा किचन सेट होता था तुम्हारे पास होता था ना। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, इसके अंदर एक्चुअली उसके कंजर्वेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, रिवर्सिफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि अब उसको समझ आ जाती है, अब आपसे बेवकूफ़ नहीं बनने वाला वो, एनिमिज्म को भी वो छोड़ देता है। ठीक है, तो अब आपसे बेवकूफ़ नहीं बनेगा, तो इसको हम कह सकते हैं कंक्रीट में लॉजिकल थिंकिंग वो कर सकता है, कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग वो कर सकता है। फिर हम आ जाते हैं कहाँ पे, हाँ, ट्रांजिटिविटी को समझ पाता है, रिवर्सिबिलिटी को समझ पाता है। एग्जाम्पल के लिए उसको पता है 4+4 इज इक्वल टू 8, तो 8-4 इज इक्वल टू 4, ये कैलकुलेशन तक वो कर पाता है, यानी कि ये चीज़ें उसकी लॉजिक जो डेवलप हो जाते हैं ना वो होते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल में। देन फॉर्मल ऑपरेशनल में लर्नर एब्स्ट्रैक्ट लेवल की थिंकिंग भी कर सकता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर सकता है, सोच सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। सो वो डिडक्टिव इंडक्टिव, उसको नए नए इमेजिनेशंस आ सकते हैं, अब वो बड़ा एडल्टहुड में जा रहा है, ये जवान हो गया है, उसके बाद वो एडल्ट होने वाला है। ठीक है, यस, थॉटफुल, अंडरस्टैंडेबल, एवरीथिंग। आपकी कॉमर्स की क्लास लेते हैं तो उसमें टेस्ट सीरीज आ जाएगी क्या? टेस्ट सीरीज किसी भी प्लस वाले में नहीं आएगी, वो अलग होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको प्राइस बहुत ही कम रखा है, ताकि जो मेरा पेड कोर्स भी ले रहे हैं उसके अलावा वो उसको भी आराम से अफोर्ड कर सकें और बाकी बच्चे भी अफोर्ड कर सकें। ठीक है जी, सो ये सारी कहानी थी इनकी। इसके बाद क्या आता है, 9th यूनिट पीडी की क्लास करें, मेरे हिसाब से मैं सारी कराने वाली हूँ, एक एक करके करेंगे। ठीक है, आज टीचिंग करा रही हूँ, कल रिसर्च करेंगे। तो मुझे क्या करना था, साइमन फ्रूट, जो साइमन फ्रूट होते हैं एक्चुअली, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्रक्चरल थ्योरी दी। स्ट्रक्चरल थ्योरी में लर्नर के करेक्टरिस्टिक्स बताए कैसे कैसे होते हैं, इद, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, इद, ईगो एंड सुपर ईगो। हाँ जी, टेस्ट सीरीज यूनिट वाइज है कि ऑल यूनिट एक साथ? देखो, यहाँ एक तो हमें कुछ चीज़ें समझनी चाहिए कि टेस्ट सीरीज का क्या मतलब होता है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का क्या मतलब होता है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे कि आप मेरा कोर्स लेते हो तो मैं उसके अंदर जो कराती हूँ या आपको पीडीएफ देती हूँ इन ऐप, वो यूनिट वाइज होती है, जो यूनिट पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, इसीलिए इन चीज़ों की अलग अलग महत्वता है। टेस्ट सीरीज का मतलब है आपको एग्जाम में जैसा पेपर देते हो बिल्कुल वैसा फील आए, आप लोगों की ऑल इंडिया रैंक निकले, जो बच्चा उसमें टेस्ट सीरीज दे रहा होगा आपका जैसे पेपर में परसेंटाइल निकल के आएगा, कट ऑफ निकलेगी, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका परसेंटाइल आएगा, आपके ऑल इंडिया रैंक पता चलेगा आप कितने पानी में हो कितने में नहीं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका टेस्ट सीरीज का मतलब। इसका मतलब एग्जाम में जैसे 50 क्वेश्चन एक टेस्ट में आते हैं पेपर वन के एग्जाम्पल के लिए, तो ऐसे 50 क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज हुई। ठीक है, और उसके अलावा वो मिक्स से होती है, तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। इस क्लास का रिकॉर्डेड कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा ना यूट्यूब पे, नव क्लासेस पे। ठीक है, नव क्लासेस ऐप मैंने फ़ोन में डाउनलोड किया, टेस्ट सीरीज भी इसमें लेनी पड़ेगी, लैपटॉप में कर सकते हैं आप लोग। लैपटॉप में अगर खोलना है तो learn.nowclasses.in खोलिए। ठीक है, और एक बच्चा अपने ही फ़ोन में और अपने ही लैपटॉप में ही खोले, क्योंकि आप जिसमें खोलेंगे वहाँ पर वो लॉक हो जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ से हिलेगा नहीं, तो इसलिए शैतानी करने की कोई फ़ायदा नहीं है। फिर बाद में आप मुझे ही कहोगे कि मैम हम ब्लॉक हो गए, ठीक है, हमें ठीक कर दो। सो अगर लैपटॉप में खोलना है तो learn.nowclasses.in है, ठीक है, वेबसाइट learn.nowclasses। आप लैपटॉप, अगर आपको लैपटॉप में चलानी है तो सीधा लैपटॉप से ही खरीद लो ना, काम ही खत्म, टेंशन ही खत्म। ठीक है, क्योंकि उसमें लगाई हुई है मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो अगर आप
ऐसी हरकतें करोगे तो वो आपको पकड़ लेगी और आपको लॉक कर चुकी होगी वो, ठीक है ओके। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मैम, ज़्यादा बातचीत तो क्लास लेंथ भी बढ़ जाएगा, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ समझना चाहिए ना, मुझे लगा मेरे पास बस मोबाइल है लैपटॉप नहीं है, तो यार मोबाइल है तो मोबाइल में करो ना, मैं एक एक को अलग अलग से बताऊँ, जिसके पास जो है वो उसमें करो। इद ईगो सुपर ईगो, ये जो होता है ये सेल्फिश टाइप का होता है, मैं जिद्दी जिद्दी टाइप का होता है, इसको बैलेंस करके चलना होता है। ये बचपना भी नहीं कर सकता ज़्यादा और बड़ा भी नहीं बन सकता क्योंकि उसके ऊपर बड़े बैठे हुए हैं। अब सुपर ईगो वाले ऑल स्टेजेस से गुजर चुके होते हैं तो वो अपनी वो बताते हैं कि मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं करे हैं, सब कुछ हमें पता है कि क्या है क्या नहीं, हमारे अकॉर्डिंग ये काम होना चाहिए, ठीक है। तो वो इस तरीके से करते हैं। इज़ दिस क्लियर? ओके हाँ भी आएगा वो। तो साइमन फ्रूड की कंसेप्ट आपको इससे समझ में आ गई। तो ये एक तरीके से सेक्सुअल एनालिटिकल थ्योरी भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि इद में बच्चा बचपन में ही होता है, मतलब आपका शारीरिक विकास के स्टार्टिंग वाले हिस्से में। ईगो में उससे बड़ा बच्चा होता है और जब वो और भी बड़ा हो जाए तो वो सुपर ईगो में होगा, ऐसा उनका कहना है कि वो एज वाइज कहीं ना कहीं इसको डिफ्रेंशिएट किया है। लेकिन इसके बाद जो बाकी थ्योरिस्ट आए थे उन्होंने कहा कि नहीं, साइमन फ्रूड ने जो बोला है ऐसा नहीं है, आप किसी भी स्टेज पे कभी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में साइमन फ्रूड की बात आ रही है तो इन्होंने तो स्ट्रक्चरल ही बोला है, इसको स्टेप बाय स्टेप ही बोला है, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट वन इज, और किसकी थ्योरी आपको याद है? आप कह रहे हो फील्ड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बता दो, ठीक है। तो फील्ड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट में वो बच्चा होगा जो कि बिना टीचर के पढ़ना चाहता है, जो कि सेल्फ स्टडी करना चाहता है, ठीक है। डिपेंडेंट में वो होगा जो कि विद टीचर पढ़ना चाहता है। तो अगर इंडिपेंडेंट में बच्चा है तो ये कंपटीशन कर रहा है एक तरीके से, आपको क्या पता आप कौन होते हो, मैं तो खुद भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है, ऐसा कंपटीशन। लेकिन अगर आपको टीचर के साथ पढ़ना है, यानी कि मेरे साथ पढ़ना है, तो फिर आपको मेरी बात माननी भी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको टीचर के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से अपनी नहीं चलाते रहोगे। इज दिस क्लियर? वो कॉम्पिटिशन करता है, वो कम्पीट करता है, और अगर टीचर के साथ पढ़ना है तो कोऑपरेट करना पड़ेगा, साथ मिलके चलना पड़ेगा। अच्छा, अब जो फेल इंडिपेंडेंट वाला बच्चा है, आप सोचो अगर ये टॉपिक आप मेरे से नहीं पढ़ते तो क्या आपको एग्जैक्टली अंदर तक डीप नॉलेज हो जाती? नहीं। तो जो डीप नॉलेज है, पूरा का पूरा कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर पाना, डीप नॉलेज, ग्लोबल नॉलेज मतलब दुनियावी ज्ञान पूरा अच्छे से, तो वो आपको इसमें आएगा डिपेंडेंट में। लेकिन इंडिपेंडेंट में क्या होगा कि वो सिर्फ तथ्यों को देखेगा, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से सिलेबस देख लेगा, रट्टा मार लेगा, ठीक है, ये चीज़ कर पाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो क्या करेगा, पेपर तो देना ही है ना उसमें भी, ठीक है, तो वो रट्टा मार के जाएगा सिर्फ। हाँ, अब इस बच्चे को डिटेल में प्रोसेस समझ में आता है तो वो उससे रिलेटेड जितने भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दे दो तो वो सारे कर पाएगा। लेकिन ये वाला बंदा क्योंकि खुद से ही पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के उसने क्वेश्चन लगाए हैं, करे हैं, उस तरीके के कर पाएगा। कोई नया आ गया तो उसका दिमाग पजल हो जाएगा, क्योंकि उसको हो सकता है उसकी पूरी डिटेल में नॉलेज ना हो। अब आगे समझ, तो ये सब होता है। अब टीचर, जैसे कि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं आपको आपके एग्जाम्पल में इन्वॉल्व करते हुए एग्जाम्पल्स देती हूँ, तो मैं आपको पर्सनलाइज पढ़ाती हूँ, ठीक है, तथ्यों के हिसाब से नहीं बल्कि सिर्फ पर्सनल एग्जाम्पल्स वगैरह दे सकती हूँ। लेकिन ये बच्चा जो दिया है ज्ञान उसी को कहीं ना कहीं रटना पड़ता है इसको, ठीक है, ऐसे। इट्स लाइक पेड स्टूडेंट एंड सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स, यस। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक भी अपना हो गया, ठीक है। सो और कौन कौन सी थ्योरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस किसने दिए? सो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो दी है आपको वो दी है हार्वर्ड ने, ठीक है,
हार्वर्ड गेव यू मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर। सो ये क्या कहते हैं कि टोटल आज की डेट में इसके अंदर नो इंटेलिजेंसेस हैं, ठीक है। जैसे कि विजुअल या स्पेशल बच्चा देख के या फिर दूरियों को स्पेस को समझ के सीखता है, कोई कोई बच्चा बोल बोल के सीखता है, ठीक है। और कैसे कैसे इंटेलिजेंसेस होती हैं यहाँ पर बताओ, कोई पर्सन लॉजिकली सीखता है, और पैवलोव्स के अंदर अभी करते हैं बॉडी मूवमेंट बॉडीली, मतलब हाथ से मेहनत इंजीनियरिंग वगैरह बनता है वो, ठीक है। स्पेशल बेटा ऊपर हो चुका है, ठीक है। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज का यूज करता है, आप कह रहे हो स्पिरिचुअल या नेचुरलाइजेशन, स्पिरिचुअल कह दो या नेचर लवर कह दो, ठीक है। आई थिंक नेचर अलग है, नेचर यानी कि जो नेचर लवर होता है वो, और स्पिरिचुअल लेवल पे वो चला जाता है। काइनेस्थेटिक बॉडी लैंग्वेज हो गई बेटा, बॉडी लैंग्वेज में काइनेस्थेटिक आ गया। कोई पर्सन है वो इंटरपर्सनल होकर सीखता है, एक बचा है एक जो सही कह दें आप, इंट्रापर्सनल भी है इसी के अंदर, अकेला अकेले पर सीखता है, ठीक है। तो ये हो गई सारी की सारी स्किल्स। अच्छा टीचर कौन बन सकता है वैसे, जिसके अंदर वर्बल स्किल्स अच्छी हो, बातें बताने की सिखाने की स्किल्स अच्छी हो, तो वो हो गया आपका वर्बल अच्छा, गुड टीचर्स की करेक्टरिस्टिक्स वो बता रखी है, ठीक है। इसके अलावा आपने मुझे कोई टॉपिक बताया था अभी, ट्रांजैक्शनल, हाँ भी करवाते तुम्हारे सब ट्रांजैक्शनल। किसने कुछ बोला था, माइंड मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ओके। एग्जिस्टेंशियल आपका कहीं ना कहीं वो वाला है, स्पिरिचुअल वाला, ठीक है। स्पिरिचुअल को ही दूसरा बोलते हैं, ठीक है। तो गैगने के 9 स्टेप्स भी हैं, और 9 स्टेप्स में सबसे पहले कि गेन अटेंशन, टीचर क्लास में आता है, हेलो एवरीवन आज हम ये पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर क्लास में आके आज के टॉपिक का ऑब्जेक्टिव बताता है कि आज हम ये पढ़ेंगे, वो हो गया ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अच्छा अभी नोट करके रख लेते हैं तुम्हारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी धीरे धीरे करेंगे। अच्छा पहले गेन अटेंशन, फिर आज का ऑब्जेक्टिव बताया कि आज हम ये करने वाले हैं, फिर पिछली क्लास में हमने क्या किया था उसको रिकॉल करवाया। इज दिस क्लियर, पिछली क्लास में क्या किया था उसको हमने रिकॉल कराया था। अच्छा अभी आते हैं, रिकॉल कराने के बाद क्या किया, प्रेजेंट किया आज का सेशन, ठीक है। प्रेजेंट करने के बाद गैगने का थ्योरी का बाकी नेम क्या है, गैगनिक तो एक व्यक्ति का नाम है ना, ये थ्योरी आपको बताता है लर्निंग प्रोसेस, इस थ्योरी का नाम है लर्निंग का प्रोसेस। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोवाइड गाइडेंस, गाइडेंस प्रोवाइड करना है, फिर बच्चों को प्रॉब किया, प्रॉब का मतलब होता है इलेबोरेट करने, एलिसिट परफॉर्मेंस, कि बच्चों को कहा कि चलो अब ये क्वेश्चन का आंसर देकर दिखाओ, ठीक है। अब एलिसिट कर दिया उसने, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 और बच्चे हैं। अच्छा जो बच्चे ने परफॉर्म किया उसके बेसिस पे उसको फीडबैक दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा पेपर देके आएगा, तो पेपर देने का मतलब इवैल्यूएशन, या असेसमेंट कह सकते हो, और उसके बाद क्या करना है उसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है, रिमेम्बर करते रहना है, रिकॉल रिवाइज करते रहना है, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे, ठीक है। ऐसा नव क्लासेस चैनल पे आपको पहले तो ये सारा स्केड्यूल क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी क्लास का टाइम फिक्स है 9 बजे, ठीक है। तो इनमें से
हम लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्या कर रहे हैं, एमसीक्यूज ही कर रहे हैं। समझ में आ गया पॉइंट। फिर आ जाता है अपना थर्सडे। थर्सडे को हम कॉमर्स मैनेजमेंट कर रहे हैं। और फिर आ जाता है हमारे पास फ्राइडे जो कल आया था। तब ये क्लासेस आपके यूट्यूब पे हो रही है, ये भी यूट्यूब पे हो रही है, बट फ्राइडे वाली क्लास ऐप में हो रही है। तो ये 9 क्लासेस ऐप कह लो या फिर वेबसाइट learn.9classes.in, ठीक है, वहाँ पे वो जो 5 rupees की क्लास है, लाइफ टाइम एक्सेस, 1 time यू हैव टू पे ओनली, ठीक है, ऐसा। एंड देन आपकी फिर आ जाता है सैटरडे एंड संडे, ठीक है। अब सैटरडे और संडे को क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर मैराथन कर रहे हैं यूनिट वाइज। पेपर वन, ये भी पेपर वन है, ये भी पेपर वन है, ये नहीं, एक ये पेपर वन है ना बस, बाकी सब पेपर वन है, ठीक है। अब कहानी समझ में आई, एमसीक्यूज कब कराओगे, जब एमसीक्यूज का दिन आएगा तब कराएंगे, आज हमारा मैराथन का दिन है, ठीक है। जितना जरूरी हमारा कंसेप्ट है उतना ही जरूरी एमसीक्यूज भी, दोनों चीज़ें जरूरी है। हाँ जी, मॉर्निंग की क्लास भी तो हो सकती है यूट्यूब पे। हाँ तो मैं इन बिटवीन, अगर मैं बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, कुछ पढ़ाना होता है, तो बीच बीच में मैं आ जाती हूँ। हिल्डा टावा का बता दें, गुड क्वेश्चन। देखो कुछ न्यू थ्योरीज निकली है, जैसे कि हिल्डा टावा। तो हिल्डा टावा ने एक तो आपका करिकुलम दिया है, करिकुलम में स्टेप बाय स्टेप बताया है कि हमें अगर किसी का करिकुलम यानी कि सिलेबस वगैरह ये सब तैयार करना होता तो वो किस तरीके से तैयार किया जाता है, ठीक है। डिटेल मैंने क्लास में कराई थी प्लस में, 9 क्लासेस में। एंड उसके अलावा हिल्डा टाबा ने इंडक्टिव तरीके से कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे इसकी थ्योरी दी है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास एक और व्यक्ति है, ऑसुबेल। तो जो ऑसुबेल है ना, इन्होंने ऑप मॉडल दिया है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, ठीक है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। और इनका जो मॉडल है उसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और क्या है, ये सारी चीज़ें मेरी जो बुक है कंसेप्ट वाली उसके अंदर भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ पर भी है। और वर्बल लर्निंग के बारे में बोला हुआ है कि बोल के वर्बली एक व्यक्ति किस तरीके से पढ़ता है, सीखता है, ठीक है, उसको बोला हुआ है ओम मॉडल के अंदर। गैग ने कंप्लीट हो गया, हाँ 9 ही तो थे उसमें, 10 बना दूँ मैं, हाँ 2 ही थे उसके अंदर। सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यू थ्योरीज हैं। और एक जजमेंट से रिलेटेड थ्योरी भी थी जिसमें हम ओवरऑल दुनियावी जो इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, ज्यूरिसप्रूडेंशियल किसने दी थी, कोई बताएगा इसमें, जैसे कि स्टेट, नेशन या वर्ल्ड लेवल के जो इश्यूज होते हैं, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं। सो वी विल कॉल इट, ठीक है। ज्यूरिसप्रूडेंशियल किसने लिया था, मैम मेरे पास 2022 का कंसेप्ट बुक है, हाँ तो वो मेरा चल जाएगा, ओके। तो ये सारे कंसेप्ट हो गए, मुझे कुछ याद आ रहा था, मुझे आपको पढ़ाना था, यस। अब हम समझते हैं मैथड ऑफ टीचिंग, आर यू रेडी फॉर मैथड ऑफ टीचिंग, बताओ। इतना कुछ कर लिया, मैथड अभी भी नहीं करे हैं। मैथड ऑफ टीचिंग में कुछ टीचर सेंटर मैथड होते हैं, कुछ स्टूडेंट सेंटर मैथड होते हैं, ठीक है। टीचर सेंटर मैथड का एग्जाम्पल क्या हो गया, लेक्चर मेथड, वही स्टूडेंट सेंटर में डिस्कशन मेथड। लेक्चर मेथड को इम्प्रूव करके एक्सपोजिटरी मेथड भी बनाया गया है, ठीक है। अब हम पहले इतना धीरे धीरे बताते रहते हैं, फिर आगे चलते रहेंगे, ठीक है।
लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में टीचर आता है, बस बक 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 करके निकल जाता है, तो वो बस लेसन देता है और निकल लेता है। ठीक है, यू वर टॉकिंग अबाउट 20% ऑफ सिलेबस आउट ऑफ 100% ऑफ सिलेबस कवर 80% क्वेश्चंस इन यूजीसी नेट, उसमें वीडियो प्लीज़ बनाएं कि वो कौन सा टॉपिक है। मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाया है, आप नव क्लासेस चैनल पे देखिए। ठीक है, नव क्लासेस चैनल पे आइए, उसमें वीडियोज़ में आइए, तो उसमें मैंने एक दो दिन पहले स्ट्रैटेजी का वीडियो शेयर किया था, जिसमें हर यूनिट से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बताए भी थे किस तरीके से पढ़ाना है। बाकी और भी देखते हैं कि कैसे। ठीक है, वी विल मेक, आप जरा कमेंट में भी लिख देना, ठीक है, ये वीडियो जब खत्म होगा उसके कमेंट में भी लिख देना, सो दैट वी विल मेक। क्या कह रहे हो, रैट मॉडल, मैं चूहे तो बाद में ढूंढा लूँ, पहले मैं ये करा दूँ, लेक्चर मेथड कर लेते पहले। सो लेक्चर मेथड के बाद अपने पास क्या आता है, वो पिक रैट बताया तो था, पिक रैट, ओहो वो कह रहा है ये, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है कि टीचर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, स्टूडेंट, रैट टीचर की टेक्नोलॉजी है। हाँ, सो लेक्चर मेथड के अलावा फिर आ जाता है आपका टीम टीचिंग। लेक्चर मेथड तब यूज़ करना चाहिए जब हमें ईजी पढ़ाना हो, और इसको लूसिड वे में, ईजी वे में लेसन देने चाहिए। ठीक है, लूसिड वे में लेसन देने चाहिए। टीम टीचर में कुछ दो या दो से ज़्यादा टीचर्स होते हैं, ठीक है, और ये एक ही पर्टिकुलर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से पढ़ाते हैं, और इसको टीम टीचिंग को भी हम टीचर सेंटर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लर्नर कहीं ना कहीं पैसिव होता है, टीचर अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन करके आए उस अकॉर्डिंग ही बच्चे को पढ़ा के निकल लेते हैं। ठीक है, हाँ जी अभी आएगी, बिल्कुल। चलो फिर आगे आते हैं, और कौन कौन सा मेथड होता टीचर सेंटर के अंदर बता देना, कुछ याद आएगा तो। अभी हम यहाँ आते हैं डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में टीचर्स एंड स्टूडेंट सभी इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं और टीचर खड़े होकर उन डिस्कशंस को नोट डाउन कर रहे होते हैं। ठीक है, किसने क्या क्या डिस्कशन किया, ताकि उनके ऊपर जीडी के भी मार्क्स चढ़ते हैं, आपको पता है। ठीक है, एमबीएस यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाओगे तो जीडी के ग्रुप डिस्कशंस के भी मार्क्स होते हैं। हाँ, एक्सपोजिटरी बता देती हूँ, बाकी आपने सही बोला, वीडियो प्रेजेंटेशन आएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी आ जाते हैं, पहले एक्सपोजिटरी पढ़ा दूँ। एक्सपोजिटरी मेथड लेक्चर मेथड के ऊपर ही एक इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि लेक्चर मेथड में बस टीचर अपना बप्पा बप्पा करके निकल लेता है, लेकिन एक्सपोजिटरी में टीचर लेक्चर दे रहा है, प्लस उसके बाद अगर कोई लर्नर को कोई प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहा है और स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ाता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट का भी रोल अदा किया गया। ठीक है जी, इस क्लास की पीडीएफ मैं कैसे दूँ, मैं सब कुछ तो हाथ से लिख रही हूँ। ठीक है, बाकी मेरी कंसेप्ट बुक है, उसके अंदर सारी चीज़ें दी हुई हैं, लर्नर इंक्वायरी भी कर सकता है, क्वेश्चनिंग भी पूछ सकता है टीचर से। हाँ जी, अब आप क्या कह रहे थे, वीडियो प्रेजेंटेशन। हाँ, इसमें सिर्फ वीडियो ही दिखाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी आप लिख सकते हो, सिर्फ डेमो की दिखाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब आ जाते हैं स्टूडेंट सेंटर में, और मेथड कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड में लर्नर को एक प्रॉब्लम दी जाती है, जैसे मान लो मैंने आपको पजल दे दी, अब बैठ के इस पजल को सॉल्व करो। ठीक है, लर्नर खुद अपने आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये किसने दिया है, कोई बताएगा, ए से नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग, ह्यूरिस्टिक किसने दिया है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो आर्मस्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, ये छोटे से बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट मान लेते हैं। ठीक है, कि ये तो छोटा सा साइंटिस्ट ही है, इस ये अपनी मर्जी से खुद ही जाए, गिरे पड़े सीखे, अपनी इच्छा अनुसार सीख जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने कभी वो देखी है छोटे बच्चों की टॉय कार, तो वो जैसा आगे जाती है, और एक होती है ऑटोमेटिक टाइप की, वो यहाँ दीवार से अटक गई तो फिर अपना रास्ता बदलेगी, फिर दीवार से अटक जाएगी, फिर रास्ता बदलेगी, फिर घूम फिर के वहीं आती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बच्चे को छोड़ दिया कि भाई तू अपने हिसाब से अपना रास्ता ढूंढ और गिर पड़ उठ और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके लेके आ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम एक्चुअली डिफाइंड होती है, आपको पता होता है, बहुत ट्राई कर रहा हूँ पर, अच्छा पढ़ते पढ़ते नींद आ जाता है, उसको ओवरकम कम कैसे करें। एक तो आप साथ में कुछ पीने के लिए रख सकते हैं, उल्टी साइड मत जाना, पानी पी लो। ठीक है, और हल्का हल्का सिप भरते रहो,
आप आधे आधे घंटे में थोड़ा सा पढ़ाई किया और सिप पी लिया पानी का, और कुछ मुरमुरे वगैरह अपने पास रख सकते हैं, चने रख सकते हैं, ठीक है। इतना मेहनत कहाँ करने वाला, तुम्हें लगता है उसकी चकल देख के कि कॉफ़ी बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा। वैसे भी पता नहीं, जिसको नींद आनी है उसको कॉफ़ी पी के भी आई जानी है। आप चने रख सकते हो। चने पता है क्या होता है? चने होते हैं जो बिना छिलके के होते हैं, ये सब। तो आप जब भी ये पढ़ रहे हैं तो सब में जब कच 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 कर रहे हो तो कहीं ना कहीं दिमाग ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक है, तो हो जाता है। हाँ जी, बी एस के नर मॉडल बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी इन्हीं में तो आएगा वो। सो ह्यूरिस्टिक समझ में आ गया आपको? ओके। सो टीचर सेंटर में आपका बी एस के नर भी आता है, ठीक है। बी एस स्किनर ने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड, थोड़ी चीज़ें वैसी है। बी एस स्किनर ने जो कंडीशनिंग मेथड बताया था ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग, और जो क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलोव ने कराई थी, तो वो आपकी कहीं ना कहीं टीचर सेंटर में आएगी, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक नया चीज़ निकाला था, वो क्या था? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड। तो पी आई मेथड कहीं ना कहीं लर्नर सेंटर है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड में बच्चों के लिए पहले से ही वीडियोज रिकॉर्ड करके रख लो। मैंने आज नव क्लासेस प्लस में इन लोगों को दिखाई थी, फोटो शोटो भी दिखाई थी इन सब चीज़ों की, ठीक है। वीडियोज़ रख ली बना के। अब बच्चा पहले ये लेसन लेगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर टेस्ट देगा, फिर ये लेसन लेगा, उसके ऊपर टेस्ट देगा। अगर वो टेस्ट में पास हो गया तो अगले फ्रेम में जाएगा, नहीं तो फिर वापस से इसको दोबारा से करो, आपको फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने पेस पे सीख सकते हो। लेकिन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड स्टूडेंट सेंटर क्यों है? क्योंकि लर्नर खुद उसको जिस मर्जी समय पे कर सकता है, और टीचर के भी वहाँ पर मौजूदगी होनी कंपलसरी है। टीचर ने तो ऑलरेडी क्लासेस को रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। सेल्फ पेस लर्निंग है वो, टीचर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। 10 मिनट वॉक करने से भी चली जाती है नींद, ऑफकोर्स। तुम कम्फर्ट जोन में चले जाते हो, तुम्हें कम्फर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी तुम्हारी नींद जाएगी। अंडरस्टूड? ओके। तो यहाँ पर ये वाली पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे ही प्रोग्राम प्रॉब्लम सेंट्रिक मेथड हो सकता है, कि लर्नर को कोई प्रॉब्लम दे दी, उसको आप सॉल्व करके ला रहे हो। तो जो प्रॉब्लम या इंक्वायरी लर्निंग है, ये किसने दिया है? विलियम किल पैट्रिक ने दिया है, ठीक है। विलियम किल पैट्रिक ने इंक्वायरी मॉडल दिया है, जिसमें बच्चे को क्वेश्चन दे दो और फिर वो अपने हिसाब से प्रोजेक्ट को सॉल्व करके टीचर के सामने लेके आता है। पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन मेथड भी होते हैं, जो कि आप लर्नर के हिसाब से पर्सनलाइज कोर्सेज बना के उसको दे देते हैं, फिर उसको वो पढ़ता रहता है ऐसे। और कौन सा मेथड है जो आपको याद आ रहा है, हमने अभी तक कवर नहीं किया है? इज देयर एनी? अच्छा, मेरे पास है। हाँ जी, प्रीवियस रिजल्ट देख के तुम्हें ये देख लेना चाहिए ना कि आपको अपना नेट जेरफ दिसंबर में निकालना है, और टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है, तो भी आपकी नींद भाग जाएगी। अच्छा, यस, अब मेरे पास सारे आ गए। जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड, ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड में जितने भी व्यक्ति होते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, ठीक है, वो सारे के सारे अपने दिमाग का यूज करते हैं, ब्रेन, और दिमाग से निकालते हैं तूफान, कुछ तूफानी करते हैं, यानी कि आइडियाज, दिमाग से बहुत सारे आइडियाज का तूफान निकालेंगे। तो ये सारे के सारे अपनी तरफ से डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज देते रहेंगे और इकट्ठे करते रहेंगे। तो इस समय पे आपको उसको नोट करने का भी चाहिए होता है, और फिर उन आइडियाज में से किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना, ठीक है, और फिर बेस्ट वाला लास्ट में चूज कर लेंगे। ये होता है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। आई होप दिस इज क्लियर। लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड को यूज किया जाता है। अच्छा, और आपके पास आ जाता है ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल टीचर सेंटर मेथड है कि स्टूडेंट सेंटर मेथड है, आप बताएंगे मुझे? ट्यूटोरियल जो है वो 1-to-1 दिया जाता है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को 1-to-1, एक एक बच्चे को डिटेल में जब चीज़ें सिखाई जाती हैं उसे बोलते हैं ट्यूटोरियल मेथड। जैसे कि होम ट्यूशन वगैरह भी ट्यूटोरियल मेथड में ही आती है, ठीक है जी। मैम सब मॉडल मस्त से बताया हुआ है। हाँ बिल्कुल, मस्त से बताया हुआ मैंने। नेक्स्ट इज रोल प्ले स्टूडेंट सेंटर है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। रोल प्ले मेथड,
रोल प्ले मेथड में ये व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन का रोल को अदा करता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि आप टीचर्स डे पे टीचर्स का रोल अदा करते हो और इंडिपेंडेंस डे पे गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है. तो ऐसे रोल्स प्ले कर सके क्या मिलता है आपको, मोटिवेशन मिलता है कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में किस प्रकार के थे, आपको वो लाइफ एक तरीके से शॉर्टकट में जीने का मौका मिलता है, उन पर्सन के बारे में जानने का मौका मिलता है और आप किसी और की वैल्यू भी कर पाते हैं, ठीक है. तो ये फायदा होता है रोल प्ले करके. सो कोऑपरेट करने का भी आपको आता है, ठीक है, कोई मैनेजमेंट का है यहाँ पे. सिवेश, नव क्लासेस ऐप के अंदर मैनेजमेंट का भी कोर्स करवाया जा रहा है, तो आप ओनली मैनेजमेंट या फिर पेपर एंड पेपर टू मैनेजमेंट का कॉम्बो भी ले सकते हैं, ठीक है. उसकी 6 यूनिट मैं पढ़ा रही हूँ, 4 यूनिट गौरव स्वीन पढ़ा रहा है, और बहुत ही अच्छा कोर्स है जिससे आपका कंप्लीट मैनेजमेंट हो जाएगा. यू कैन गेट द JRF ऑल्सो. ओके, देन नेक्स्ट इज सिमुलेशन मेथड. ब्रेनस्टॉर्मिंग बता तो दिया पीछे, सिमुलेशन मेथड. सिमुलेशन में क्या होता है बता दीजिए. इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज. हाँ, इंस्ट्रक्शन मतलब टीचर सेंटर हो गया यहाँ पर, ठीक है. अच्छा, आपने बोला था डायरेक्ट टीचिंग और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, अभी थोड़ी देर में देखते हैं. सिमुलेशन करते हैं, पहले सारे मेथड्स कर लें फिर देखेंगे, फिर बाद में याद दिलाना. सिमुलेशन के मतलब जैसे असलियत में जो आपने प्लेन है या हेलीकॉप्टर है उसको उड़ाए बिना आर्टिफिशियली एनवायरनमेंट बनाया गया. और आपने उसमें पहले प्रैक्टिस किया फिर असली वाले जहाज में चढ़े, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ सिमुलेशन, ठीक है जी. आप बहुत देर से कह रहे हैं कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग का डिफरेंस बता दीजिए. तो देखिए, कोऑपरेटिव इसके अंदर एक पर्टिकुलर ग्रुप में स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है. सो इस पर्टिकुलर ग्रुप में जो बच्चे होते हैं ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं और यहाँ पर टीचर भी मौजूद होते हैं, और ये जो भी डिस्कस करेंगे वो टीचर साइड बाय साइड नोट करते जा रही हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं. इसकी वजह से अगर इसने कोई बात कही डिस्कशन करते समय, डिबेट करते समय, तो ये टीचर को जवाबदेही हो जाएंगे, अकाउंटेबल हो जाएंगे, ठीक है. तो इसमें क्या टीचर इन्वॉल्व है, यस, तो ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन या डायरेक्ट टीचिंग हो गई, क्योंकि टीचर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डिस्कशन ऑल्सो. हालांकि डिस्कशन लर्नर्स कर रहे हैं लेकिन उसमें भी टीचर भी आपको साथ साथ दिखाई देंगे. वहीं पे अगर हम बात करें कोलैबोरेटिव पे, तो यहाँ पर टीचर एक रिसोर्स पर्सन की तरह होता है जो आपको एक टास्क दे देता है कि चलो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप काम करके लेकर आओ. फिर वो जो बच्चा होता है, बच्चा नहीं बच्चे, उन सबको उनके टास्क मिलते हैं. चलो ये टॉपिक मिला तुम्हें रिसर्च करने को, ठीक है, तुम रिसर्च के क्वेश्चंस बनाना, ये क्वेश्चन बनाएगा, तुम उन क्वेश्चन को भरवाना, ये क्वेश्चंस को फिल करवाएगा, तुम उसको एनालाइज करना, उसको एनालाइज करवाएगा, और तुम इनके प्रेजेंटेशन तैयार करवाना. फिर ये सब सारे काम अगर करेंगे तो हर एक इंडिविजुअल अपने आप में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है. अगर इनमें से एक ने भी काम नहीं किया तो पूरा ग्रुप बिगड़ सकता है, ठीक है. लेकिन यहाँ कौन इन्वॉल्व है, टीचर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि टीचर आपके साथ हर जगह घूमने नहीं जा रहा. ये यहाँ पे लर्नर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो इसको डायरेक्ट लर्निंग हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इसको कह सकते हैं. आगे समझ, ठीक है. हाँ, तो आई होप अब इन दोनों में डिफरेंस आ गया है, कोई दिक्कत. हाँ, मॉडल एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कोर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने इंस्टीट्यूशन के लिए कोर्सेज को तैयार कर सकता है ताकि अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सके, उसको बोलते हैं मॉडल. अच्छा, इसके अलावा असाइनमेंट मेथड. सो असाइनमेंट मेथड्स क्या होते हैं, इसके अंदर बच्चों को असाइनमेंट दे दिए जाते हैं घर के लिए. जैसे होमवर्क पे आपको बोला कि चलो ये असाइनमेंट लेकर आओ, लेकिन ऐसे नहीं दे सकते असाइनमेंट, इसमें प्रॉपर स्टेप्स हैं. एक तो पहली बात, उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर टीचर थोड़ा बहुत लेक्चर दे दे, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू या कंसेप्ट बता दे, ठीक है, कि करना क्या है. तो
उसके बाद क्या होगा, जब लर्नर खुद से उसकी खोज करने जाएगा, भी असाइनमेंट बनाने जाएगा, तो उसके लिए एक तरीके का ये लैबोरेटरी टाइप वर्क हो गया। असलियत में साइंस के एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन ये लैब वर्क के तरह हो गया कि मुझे खुद से ही इस चीज़ को करना है जिसमें मेरे को खुद पूरा इन्वॉल्व होना है। ठीक है, तो लेक्चर प्लस लेबोरेटरी वर्क एक तरीके से होता है जिसमें आप उस असाइनमेंट को घर पे करने जाते हो, ठीक है, और फिर टीचर के सामने लेके आते हो। इससे होता क्या है, जो आसान टॉपिक्स होते हैं या ऐसे टॉपिक होते हैं जो इंटरेस्टिंग हो के बच्चा खुद भी कर सकता है, वो टीचर बच्चों को देता है और खुद टीचर बाकी मुश्किल या अदर टॉपिक्स पढ़ाता है, तो इससे टीचर का टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं। मैम पेपर वन प्राइस कम कीजिए, जितना मेरे से पॉसिबल है मैंने उतना किया है। ठीक है, आपको ये भी बताना चाहिए कि आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, कुछ इस महीने और आधे अगले महीने। ठीक है, 1750 करके आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट मेथड, आई होप दिस इज क्लियर जी। क्योंकि उन चीज़ों में सिर्फ इतना ही नहीं है, बाकी खर्चा भी है, बैंडविड्थ का एंड ऑल। सो कहीं ना कहीं आपके प्लस वाले बच्चे जो पेमेंट करते हैं उनके पेमेंट का यूज़ करके ही वो 5 रुपये वाला जो कोर्स है उसमें बच्चों को यू नो बेनिफिट मिल सकता है। तो जितना भी पैसा कमाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के ऊपर ही लगाया जा रहा है, और फिर नए नए फीचर्स भी आगे आपके लिए लेके आने हैं तो उसके ऊपर भी अमाउंट लगता है। ठीक है, तो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लिया जा रहा है। ऑलरेडी जितना पहले कभी मैं लिया करती थी 10,000-16,000 मेरे कोर्सेज का, उससे कई गुना हम कम पे आ चुके हैं, है ना जी। आइए पेपर वन का। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहे हैं। वैल्यू फॉर मनी है जी, आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा आपने किसके पैसे दिए। अभी मैं देखती हूँ कि कुछ और तो नहीं बचा है, बाकी आप लोगों को मैं फ्री क्लासेस में भी पढ़ा ही रही हूँ, आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं ना, काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने फ्री में भी कवर करवा दी है। केस स्टडी रह गया अपना, केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी किसमें होती है, तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं हमारी केस स्टडी मेथड में होती है। ठीक है, सो लर्नर क्या करता है, अपनी भरपूर क्रिएटिविटी का यूज़ करता है। जैसे आपने सुना होगा ना वो CID में क्या होता है, CID में जो है, हाँ बिल्कुल, CID में वो दया होता है एंड ऑल सब होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये दीवार है, दीवार के पीछे जरूर तिजोरी होगी, ये पंजे का निशान है, या मेरे से तो लग ही नहीं रहा, इसमें 4 की जगह 6 निशान कैसे हैं, जरूर वो उसके 2 अंगूठे होंगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल रहे हो जो सामने दिख भी नहीं रही है, उस तक को आइडिया लगा रहे हो। तो इनोवेटिव न्यू क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हम कुछ घुस के कुछ नया ही निकाल दें। ठीक है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केस स्टडी, कि एक पर्टिकुलर केस के पीछे पढ़ के उसकी डीप एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग करना। जब हम केस स्टडी कर रहे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तो एक साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने एक केस में डीप जाना है, इन डेप्थ स्टडी करनी है। ठीक है, तो हम 1, 2, 3 इसी केस इतने के आसपास ही ज़्यादातर स्टडीज़ करते हैं। अगर हम क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे होते इसकी जगह पे, तो क्वांटिटेटिव जो होती फिर उसमें हम ज़्यादा सैंपल ले सकते थे, बट केस स्टडी आपकी क्वालिटेटिव में ही आती है। ठीक है, लर्नर सेंटर, हाँ बिल्कुल, केस स्टडी लर्नर सेंटर है, लर्नर उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हाँ जी, क्या रिप्लाई करूँ भाई, आप लोगों को फ्री क्लास में यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ ना हर रोज़ 9 बजे, तो करो। ठीक है, अच्छा अभी किसी ने कुछ टॉपिक्स पूछे थे मुझसे, पता नहीं क्या पूछा थे, जब मैंने कहा था अभी थोड़ी देर में बताएंगे, वो पूछ लो नहीं तो फिर मैं वाइंड अप करूँ, क्लासेस कवर करूँ। हाँ करो वो वाली क्लासेस कवर, और साथ में आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो नव क्लासेस ऐप में और रिवाइज कर सकते हो। जोन डेवी की थ्योरी बता दूँ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल रह गया, स्ट्रक्चर मॉडल, स्ट्रक्चर पढ़ा दिया भाई, सैमेंट की पढ़ा तो दिया। तो जो जॉन डेवी हैं इन्होंने बोला है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बच्चों को सोशलाइज होने दो। ठीक है, फिजिकली खेलने दो, सोशलाइज होने दो, इंट्रैक्शन करने दो, बाहर जाने दो, खेलने दो, डायरेक्ट इंडायरेक्ट रह गया। हाँ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपको किसने दिया, लेव यागोस्काय, यागोस्की।
जो लेव यागोस्की है उन्होंने बोला है लर्नर कितना विद और विदाउट टीचर की हेल्प से सीख सकता है, ठीक है। सो ये आपका पूरा सर्कल है, यहाँ पर है आपके टीचर मौजूद, और ये बच्चा बिना टीचर के कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो यानी कि इसको हर लेवल पे टीचर की हेल्प चाहिए, ठीक है। फिर थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, ये हो गया नर्सरी क्लास का बच्चा जिसके पीछे पीछे टीचर को घूमना पड़ता है, ये वॉशरूम भी जाएंगे वहाँ भी टीचर को ही घूमना पड़ता है। तो थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, ये तो बस विद हेल्प वाला ही है, विद एंड विदाउट दोनों चलेगा यहाँ पर मिक्स। फिर और थोड़ा सा अगर बच्चे की इंडिपेंडेंस को देखेंगे तो ये चाहता है कि मैं सेल्फ सीखना चाहता हूँ, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका बताता है। हाँ जी, ये कह रहा हूँ टेस्ट सीरीज में टेस्ट आर ऑलरेडी गिवन, इसी वजह से उनको अटेम्प्ट वन लिमिट कर रखा है कि आपने जो लाइव वाला पेपर देना ना उसके अंदर, वो जब भी आप देंगे वो एक तरीके से आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए हर बार लाइव ही कहलाएगा, मतलब जो फर्स्ट टाइम अगर कोई भी पेपर देंगे टेस्ट सीरीज में तो वो लाइव कहलाएगा, उसके बाद उसके अंदर आपकी ऑल इंडिया रैंक निकल के आ जाएगी। तो ऑलरेडी टेस्ट उसमें डले हुए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उसके आंसर की वगैरह जितनी मर्जी भाई देखना चाहते हो देख लेते हैं। क्या यार, सही तो बोला, मैंने तो झूठ थोड़ी बोला है। अभी आपने बोला था डायरेक्ट टीचिंग एंड इनडायरेक्ट टीचिंग, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक अपन कर चुके हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डायरेक्ट टीचर की, ठीक है, तो इसका साफ साफ मतलब होता है कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। डायरेक्ट टीचिंग का और क्या मतलब होता है, सिनोनिम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, और इन डायरेक्ट स्टूडेंट लिखने लगी थी, वैसा लर्निंग ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, इनडायरेक्ट लर्निंग, ये दोनों ही स्टूडेंट सेंटर होंगे, स्टूडेंट सेंटर मेथड ही होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट सेंटर में भी जहाँ टीचर ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, इस शब्द का मतलब है कि टीचर मोर इन्वॉल्व। एग्जाम्पल के लिए जो डिस्कशन मेथड था कोऑपरेटिव वाला, उसके अंदर टीचर आपके सामने थे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो डायरेक्ट लर्निंग, यहाँ पे लर्नर ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, टीचर थे। फॉर एग्जाम्पल कोलेबोरेशन में लर्नर आपस में काम कर रहे थे, टीचर आपके साथ नहीं गया था। एग्जाम्पल के लिए ह्यूरिस्टिक मेथड में लर्नर को बोले जा भाई तू सॉल्व करके लेकर आ इस क्वेश्चन को, प्रोजेक्ट मेथड में उसको घर के लिए प्रोजेक्ट दे दिया, असाइनमेंट मेथड में उसको असाइनमेंट दे दिया, तो टीचर था वहाँ पे नहीं। लेकिन स्टूडेंट सेंटर मेथड और टीचर स्टूडेंट ज़्यादा इन्वॉल्व, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर मेथड तो होगा लेकिन टीचर भी वहाँ मौजूद होगा। एग्जाम्पल के लिए कोऑपरेशन, डिस्कशन, ठीक है, और ट्यूटोरियल मेथड, वन टू वन, टीचर नहीं तो ट्यूटोरियल देना है, ठीक है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट सेंटर बट डायरेक्ट टीचर इन्वॉल्व, ठीक है। अब आ गया समझ, डेली क्लास का टाइम रात को 9 बजे है नव क्लास यूट्यूब पे, लेकिन इस डायरेक्ट लर्निंग को ही हम इन डायरेक्ट टीचिंग भी बोलते हैं, ठीक है, और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। तो आई होप अभी आपको ये सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। हाँ, डेली क्लास होती है। सो फाइनली आप सबको थैंक यू इस क्लास को करने के लिए, मैंने ओवरऑल कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड करवा लिया है। आप ये कह सकते हैं कि आज की क्लास में से आपके 80% तक के भी टॉपिक्स बन सकते हैं। अब आपकी ज़रूरत है प्रैक्टिस 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 करना, ठीक है। सो एक दिन में हमने पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड घर उखाड़ लिया है। अच्छा, एक बात बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी, आप लोगों को वीडियो ख़त्म होने के बाद दोबारा आना है इसमें और कमेंट भी करना है, बिकॉज आपके कमेंट्स सराखों पर, आपकी कमेंट्स बहुत ज़रूरी है, आपके रिव्यू बहुत ज़रूरी है कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। 2 आवर्स भी हो गए बिल्कुल, ठीक है। तो हालांकि जो हमारा टारगेट है उससे जल्दी ही मैंने निपटा लिया सब। कल हम क्या करेंगे,
कल हम रिसर्च एप्टीट्यूड करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको रिसर्च से रिलेटेड स्पेसिफिकली पढ़ने हैं तो वो भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देना, ठीक है? ओके, तो फिर डिस्क्रिप्शन तो मैं डालती हूँ, इस वीडियो के नीचे कमेंट में डाल देना, ठीक है? और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। यू कैन सेव दिस ऑल्सो इन योर फोन। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू, थैंक यू ऑल। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। हैव अ नाइस टाइम, मिलते हैं अगली क्लास में। एंड नाउ क्लासेस की जो ऐप है उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और आप कोर्स भी ले सकते हैं। और हर फ्राइडे हमारे 5 रुपये वाले कोर्स में क्लास होगी। 5 रुपीज़ वन टाइम देने हैं, बार बार नहीं देने होते। थैंक यू।